ओके हेलो एवरीवन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुवेद एकेडमी जूनियर विंग्स बच्चों तो सभी लोग जल्दी से हो and, uh, फड़। <coughs> लोग फड़ा फड़ा फड़ कनेक्ट हो जाइए एंड ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है एक बार बॉक्स में मुझे लिख के बता दो बच्चों फटाफट चलिए सब लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए प्यारे बच्चों yes, सभी को गुड इवनिंग ओम रिया साधना टू डू प्रेम मिस्टी सभी को वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों तो फटाफट फड़ एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए इज दैट वॉइस सबको क्लियर आ रही है ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है क्योंकि आज का जो सेशन है प्यारे बच्चों ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो इलेवंथ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स जिनके वीक हैं कमजोर हैं अगर आप ट्वेल्थ की केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्पेशली तो आप सभी के इलेवंथ का जो ऑर्गेनिक का फंडामेंटल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिससे आप आगे ट्वेल्थ की हाई लेवल की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की नीट और जेई की केमिस्ट्री को अच्छे से संभाल सको इसलिए ये जो सेशन है ये कुछ दिन आपको ऑर्गेनिक के फंडामेंटल को मैं सिखाऊंगा ताकि आप आगे आने वाले ऑर्गेनिक के टॉपिक के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें ठीक है यस सभी को मेरे हिसाब से आवाज़ क्लियर आ रही है बिल्कुल ओके फाइन तो बच्चों आप सभी का से रिक्वेस्ट है कि ये जो सेशन है ये अपने ग्रुप्स में आप शेयर करेंगे ताकि जितने भी बच्चे अभी ट्वेल्थ में गए हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो शुरू से ही अगर फंडामेंटल को क्लियर करके चलेंगे क्योंकि अभी मेनली हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को डील कर रहे होते हैं ना सोल्यूशनस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन सबको हम लोग पढ़ रहे होते हैं और काफ़ी कुछ दिनों के बाद हमने ऑर्गेनिक को स्टार्ट करना है तो क्यों ना हम पहले से ही ऑर्गेनिक के उस फंडामेंटल को अच्छे से कंप्लीट करके चले ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है बच्चों चले आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी तो बिना वक्त गवाए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी हम आज सीखने वाले हैं कि सर ये जो ऑर्गेनिक का टॉपिक है एक्चुअली ये है क्या और इसमें हम लोगों को क्या क्या सीखना है क्या क्या पढ़ना है ताकि हमारी कोई भी आगे की जर्नी जो ऑर्गेनिक की है वो कमजोर ना रहे ठीक है बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर यहाँ से और किसी को भी कोई डाउट हो तो आप अपने चैट बॉक्स में ये सारी बातें हमसे पूछ सकते हैं चलिए ओके जी फाइन तो सबसे पहले बच्चों हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि जो हमारा ऑर्गेनिक का सब्जेक्ट जो हम लोग कंप्लीट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ऑर्गेनिक होता क्या है तो चलिए मैं सबसे पहले आप सभी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले आपको देता हूं इंट्रो जिसको आप पढ़ने जा रहे हो बेसिकली वो क्या बातें करता है तो सबसे पहले बच्चों अभी हम शुरुआत करते हैं जस्ट अ इंट्रोडक्शन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं बच्चों पूरी केमिस्ट्री को ना कैटेगराइज कर दिया गया है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल में क्योंकि तो केमिस्ट्री खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें हम सभी को अगर अच्छे से स्टडी करना है तो साइंटिस्टों ने क्या किया है इनको ग्रुपिंग कर दी है ताकि भैया आप ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक को और फिजिकल को अलग अलग पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक का डिपार्टमेंट किनको मिला है तो बेसिकली ये कहानी है कार्बन के और उसके कंपाउंडों की यानी कार्बन जिन जिन मोलिकुलों के अंदर मौजूद रहता है या कार्बन से जिन मॉलिकूलों को बनाया जाता है उन मॉलिकुलों को अलग से स्टडी करने के लिए एक ब्रांच दिया गया है बिकॉज कार्बन के मॉलिकल्स दुनिया में बहुत ही ज़्यादा हैं मेनली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब कार्बन से मिल बने हैं तो हमारे चारों तरफ कार्बन के और उसके मॉलिकल्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं इस वजह से हमें कार्बन के मॉलिकूलों के लिए अलग से सेपरेट ब्रांच दी गई है और हमें कहा गया है कि आप इन मॉलिकूलों की स्टडी इसी ब्रांच में करोगे और कार्बन के जहां एबसेंस है जिस मॉलिकूलों के अंदर हम उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांसफर कर देते हैं तो सिंपल सी कहानी है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये किसके बारे में बात करता है ये बात करता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में फटाफट पड़ देखते चलिए किसके बारे में बच्चों कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हमें स्टडी कहां करनी है ऑर्गेनिक में यानी कार्बन कंपाउंड कर कंपाउंड ऑफ कार्बन या फिर वी कैन से दे स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड ऑफ कार्बन कह सकते हैं हम लोग इसकी स्टडी करना हमारे लिए कहलाती है द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब कहानी शुरू होती है कि ये कार्बन क्या है तो बच्चों एक बात बताइए जो हमारा हीरो कार्बन है इस कार्बन के बारे में हमें पहले से नॉलेज होनी चाहिए तो कार्बन को ही इतना प्रिफ्रेंस क्यों मिला है तो ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो कार्बन है ना कार्बन इनके हमें प्रॉपर्टीज़ को पहले समझना होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत कार्बन से होता है तो कार्बन में ऐसी चीज़ें क्या होती हैं तो हमें समझना होता है सबसे पहले द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मेरी बात को समझिए प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को सबसे पहले मुझे स्टडी करना होता है तो कार्बन की क्या स्टोरी है, है? आप बताओ बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कार्बन जो है उसका जो सबसे नेचर बाकी आइटमों से अलग है इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं तो सबसे पहला इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है यानी कार्बन जो है कार्बन जो है बच्चों क्या बनाता है बच्चों फॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है और कोबोलेंट बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो कॉबलेट बॉन्ड होते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं तो कार्बन ज्यादातर क्या करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है तो इसलिए कार्बन बॉन्ड बनाता है ये कार्बन मेनली चार कोबलेंट बॉन्ड बनाता है कितने कोबलेंट बॉन्ड फोर बनाता है हो सकता है वो फोर कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग एक डैश लाइन से इंडिकेट करते हैं वो चार अलग अलग एटम से बना रहा हो अपने चारों तरफ चार एटम्स रखा हो अगर उसके पास कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए केवल तीन ही एटम्स हैं तो आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि उसके तीन बॉन्ड बनेंगे और एक वो डबल बॉन्ड बनाता है क्लियर है थर्ड वन अगर उस कार्बन के पास केवल दो ही एटम है बॉन्ड बनाने के लिए तो ऐसे केस में वो एक के साथ कैसा बॉन्ड बना लेता है ट्रिपल बॉन्ड तो पहली चीज कार्बन की स्टोरी ये है कि कार्बन चार बॉन्ड फॉर्म करते हैं और उस वजह से इसके तीन तरीके के स्पेसिस फॉर्म होते हैं एक जिसमें कार्बन चारों सिंगल बॉन्डेड रहता है कार्बन तीन सिंगल बॉन्डेड एक डबल बॉन्डेड रहता हो और एक कार्बन दो सिंगल और दो डबल बॉन्ड के साथ मौजूद रहता है दूसरी चीज जो कार्बन को सबसे यूनिक बनाती है वो बनाती है उसकी कैटनेशन प्रॉपर्टी यस yes, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़ना है कार्बन के बारे में वो है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज यानी जो कार्बन है बच्चों वो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज दिखाता है शो करता है अब कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कैटेनेशन का मतलब होता है कि अपने जैसे दूसरे एटम के साथ लंबे लंबे चेन का फॉर्मेशन करना जो केवल कार्बन को ही मिला हुआ है दुनिया में और कोई ऐसा आइटम नहीं है जो अपने द्वारा दूसरे आइटम के साथ लंबे बॉन्ड चेन बना सके काफी ज्यादा आइटमों को एक साथ एक साथ जोड़ पाए तो कार्बन क्या करता है प्यारे बच्चों कैटनेशन प्रॉपर्टी सोता है और कैटनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि कार्बन जो है वो लंबे लंबे बॉन्ड बना सकता है किसके साथ खुद के कार्बन आइटम के साथ ये ना तो ऑक्सीजन को मिला है ना नाइट्रोजन को मिला है ना फ्लोरीन को मिला है ना क्लोरीन को मिला है और किसी को नहीं मिला है किसको मिला है केवल कार्बन को इस वजह से कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है ठीक है फिर इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं ये दो बातें इंपॉर्टेंट है कार्बन कॉब्लेट बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिससे वो कार्बन के चेन बनते हैं और कार्बन के चेन बनने के अलावा ध्यान से सुनिएगा थर्ड नंबर ये कार्बन जो है ये कई तरह के कंपाउंड फॉर्म कर सकता है जैसे कार्बन चेन तो बनाता ही बनाता है जिसको हम लोग लीनियर कहते हैं या कार्बन बना सकता है ब्रांच ब्रांच मतलब कि अगर आप सीधे कार्बन को जोड़ रहे हैं तो हो सकता है कार्बन लाइन से हटके कुछ और चेन बना ले तो ये कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं वो लीनियर बना सकता है ब्रांच बना सकता है यानी लीनियर लीनियर चेन चेन इनको क्या बोलते प्यारे बच्चों कहा जाता है और इनको बोला जाता है ब्रांच चेन प्लीज सभी लोग पहले इंट्रोड्यूस हो जाइए इससे फिर हम लोग आगे एडवांस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और कार्बन की खासियत है कि वो साइक्लिक मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन कर सकता है साइक्लिक बोले तो रिंग बना सकता है अपने जैसे कार्बनों को एक साथ रिंग में इकट्ठा कर सकता है और इसे कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन साइक्लिक चेन बनाना तो सोचिए कार्बन की जो सबसे यू, यूनिक प्रॉपर्टी है वो लीनियर ब्रांच और साइक्लिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना होता है एंड जो सबसे अच्छी बात यह है कार्बन जो है ना वो किसी भी अच्छे आइटम के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन इनके साथ भी आराम से एडजस्ट करता है इसलिए ये फॉर्म करता है फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम इजिली यानी बेसिकली बच्चों ये और भी एटम्स के साथ इजिली बॉन्ड बना सकता है और अगर इज़िली बॉन्ड बनाएगा तो बेसिकली वो किसके साथ ज्यादातर बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ किसके साथ बच्चों हाइड्रोजन के साथ, साथ बॉन्ड बनाते हैं यानी कार्बन के अलावा जो बॉन्ड हमारे साथ मिलेंगे वो किसके मिलेंगे बच्चों हाइड्रोजन के ज्यादातर मिलते हैं क्लियर है उसी तरीके से कार्बन जो हमारे पास मौजूद है ये ऑक्सीजन के, के साथ जुड़ सकता है किसके साथ जुड़ सकता है बच्चों ऑक्सीजन के साथ कार्बन जो है वो किसी नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है किसी कार्बन का बॉन्ड किसी भी हेलोजन के साथ जोड़ा जा, जा सकता है इसका मतलब होता क्या है जो कार्बन है बच्चों वो अपने कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना ही सकता है ज़्यादातर वो किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है किसी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है या किसी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है हेलोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है तो इससे क्या होता है इनकी जो मॉलिक्यूल्स बनाने की जो तादादें हैं नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं इसलिए हम ऑर्गेनिक को डेडिकेट कर चुके हैं कार्बन के लिए कि भैया कार्बन आपको जितने मॉलिक्यूल्स बनाना है आप आराम से बनाइए हमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ जब मॉलिक्यूल्स आप बना लोगे हम उनको स्टडी करने के लिए आएंगे हम आपके बारे में पढ़ेंगे कि आप हैं क्या आपका नाम क्या है आप बनते कैसे हो और अगर आप दुनिया में हो तो आपका रोल क्या है आप क्या कर सकते हो अपनी इन्वायमेंट के लिए तो प्यारे बच्चों सभी लोग मुझे बताएंगे क्या सभी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब सही सही समझ में आया है हमें ऑर्गेनिक में पढ़ना है कार्बन के कंपाउंडों के बारे में और कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है बाकियों से क्यों अलग है उसका मेन है रोल कि वो कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है अच्छे बॉन्ड बनाता है स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज शो करता है लीनियर और ब्रांच मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है और बाकी अदर एटम के साथ भी वो इजिली बॉन्ड बना लेते हैं इस वजह से इनको सेपरेट ब्रांच दिया गया है क्या ये बात सबको क्लियर हो गई यस और नो में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों सर कार्बन कोवलेंट एक बार और रिपीट कर दीजिए कोवलेंट का मतलब बच्चे केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है ना कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब आयोनिक तो बना नहीं सकते चार का ना तो लॉस कर सकते हैं ना ही गेन कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं शेयरिंग कर सकते हैं और अगर वो शेयरिंग करेंगे तो उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी ठीक है भाई चलिए वेरी गुड बच्चों तो हम लोग सब लोग इस बात को समझ गए हैं हम आगे बढ़ सकते हैं क्या सभी लोग जल्दी से एक बार बता दो यस yes, सर कोई दिक्कत नहीं है हम ऑर्गेनिक के बेसिक्स को समझ गए हैं कि हां भाई हमें करना क्या है ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों सब लोग जवाब दे दिया कीजिएगा ठीक है ना जिसको भी ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम थी पहले शुरुआत में मैंने जस्ट अभी इंट्रोड्यूस करवाया है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इज अ हीरो और कार्बन को ही हमें पूरी तरीके से सीखना है ठीक है आइए तो इसका मतलब अब तक हमने ये सीखा कि कार्बन में हमें केवल कंपाउंडों को स्टडी करना है तो हमें पूरे ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना होता है सुनो ध्यान से वाट टू स्टडी पहले इस बात को समझ लीजिए फिर हम लोग प्लान करके आगे बढ़ेंगे हमें पूरी ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है सर ये बताइए हमें जानना क्या क्या है तो पहली चीज हमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है जैसे कि हमने कहा क्या पढ़ना है टू स्टडी द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कि नहीं आइए तो सर ठीक है आपने कहा मोलिकुल्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है पर पढ़ना क्या है ये तो बताइए तो सबसे पहली बात है बच्चों हमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स को लिखने आना चाहिए सबसे पहले हमारा काम होता है सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन यानी हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लिखने आना चाहिए रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यानी ऑर्गेनिक मॉलिकल्स कार्बन के कंपाउंड को हमें लिखना और पढ़ना आना चाहिए रिप्रेजेंट करना यानी अगर वो कहीं पे लिखना पड़े हमें मॉलिकुल्स को तो कैसे लिखा जाए और अगर कहीं रिप्रेजेंट किया हुआ है तो हमें उसको पढ़ना आना चाहिए कि भाई आपने ये क्या लिखा है ये कौन सा मॉलिक्यूल है तो सबसे पहली चीज़ माइंड में सेट करिए हमें अपने ऑर्गेनिक मॉलिकुल्स के लिए रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है प्यारे बच्चों वेरी गुड जब हम अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो फिर हमें उसका नेमिंग करने आना चाहिए क्या करने आना चाहिए प्यारे बच्चों नेमिंग नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी जो भी मॉलिक्यूल्स आपका लिखा हुआ है हमें उसका नाम लिखने आना चाहिए यही चीज हमें पूरे इलेवन ट्वेल्थ में करनी है सुन लीजिए नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मुझे मिलेंगे हम उनको देखेंगे पहले आप क्या लिखे हो ये समझेंगे और फिर हम उसका क्या लिखेंगे बच्चों नामकरण करें करेंगे कि आपका नाम क्या है आपको पहचानना है क्या मेरी बात आप समझ गए बिल्कुल सर जी और जब हम किसी मॉलिक्यूल्स के नाम को लिख लेते हैं मॉलिक्यूल को समझ लेते हैं तो फिर हम एक तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अगर उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ दिया जाए क्योंकि कॉवलेंट बॉन्ड है तो हमें उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ना है अगर तोड़ना है तो कैसे तोड़ा जाए क्योंकि आप बच्चों एक नए मॉलिक्यूल को पुराने मॉलिक्यूल को नए मॉलिक्यूल में चेंज करोगे तो हमें ऑर्गेनिक में कभी कभी कार्बन के मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और बोला जाएगा इसको ना इसके बॉन्ड को तोड़ करके इसको नए एटमों के साथ जोड़ दीजिए ठीक है पुराना बॉन्ड तोड़िए नया बॉन्ड बनाइए तो हमें यहां पे पढ़ना होता है द स्टोरी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग तो ये बच्चों ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए तो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती हैं और बोन ब्रेक होने के बाद क्या होता है हमें ये सब चीज़ें बेसिक्स में अच्छे से क्लियर करके चलना है ठीक है फोर्थ हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ये सारे टर्म्स हमें अच्छे से आने चाहिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है जब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मान के चलिए मेरे पास दिया हुआ है ना तो उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं और बॉन्ड्स जो बने होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जा एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते रहते हैं शिफ्ट होते रहते हैं अब ये शिफ्टिंग क्यों होती है कैसे होती है और इससे क्या फर्क पड़ता है ऑर्गेनिक मोलिक्यूलों में हमें ये सीखना है तो ये है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है ना इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना एक जगह से दूसरे जगह कैसे शिफ्टिंग होगी सर ये सब सीखेंगे हम सभी ओके बच्चों अगला हमारे पास होता है जिसको हमें बेसिक्स में कंपेर करना है ये सब पॉइंट लिख लीजिए ये सब कुछ सीख के जाना है पांचवा यूनिट होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बेसिकली इसी में हमारा एक टर्म आता है रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट्स ये सब कुछ मुझे सीखना है बॉन्ड ब्रेकिंग में ही हमारा आएगा सब इंटरमीडिएट्स हमें कैसे बॉन्ड को ब्रेक करना है नेमिंग तो हमें आना ही चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को खत्म कर लेते हैं ना तो फिर हमें एडवांस ऑर्गेनिक पढ़नी है मोलिकुलों की गर गौर समझिए यह है बेसिक रिप्रेजेंटेशन नेमिंग फीजन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और हां यहां एक वर्ड और आता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स क्या बोलते हैं आइसोमर्स ये सब टर्म्स हमें आने चाहिए क्योंकि आप ट्वेल्थ में आ चुके हो और आपके ये सारे टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए आइसोमर्स कैसे कहा जाता है किसको कहा जाता है ठीक है ये होते हैं बेसिक ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों बेसिक अब आते हैं एडवांस एडवांस मतलब जब हम ऑर्गेनिक मोलिकुलों को पढ़ना सीख लेते हैं लिखना सीख लेते हैं उसमें सारी बातों को समझना सीख लेते हैं तो फिर कहानी होती है एडवांस ऑर्गेनिक की अब एडवांस ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों इस बात को समझिए यही आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है एडवांस ऑर्गेनिक में होता क्या है कि हमें जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया जाएगा हम उसको सीखेंगे कि वो बनाया कैसे जाता है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है यानी वो लैब में किस तरीके से किस मेथड से बनाया जाता है ठीक है जैसे मैं आपसे कहूं चाय बनाना है तो चाय बनाना है तो चाय बनाना कैसे है क्या यूज़ करना है कितना यूज़ करना है कितना टेम्परेचर रखना है ये सारी बातों को हम कहते हैं मैथड ऑफ प्रिपरेशन तो ये बच्चों एडवांस है जिसको हमें बोला जाएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन प्लीज तो हमें पहले इस बात का अंदाजा लगाना है कि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक्चुअली क्या क्या होंगे और हमें उसको अच्छे से क्लियर करना है अगर मेरे पास कोई इथेनॉल है मैं मान क्या ये इथेनॉल है पर ये इथेनॉल बनाया कैसे गया होगा इसे हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ना होता है ठीक है और इसकी जो सेकेंड टॉपिक होती है वो होती है बच्चों इनकी केमिकल रिएक्शन ये हमारा एडवांस ऑर्गेनिक है इसे क्या बोला जाता है केमिकल रिएक्शन बच्चों दिस इज द केमिकल रिएक्शन यानी जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मुझे मिली है ना उनका क्या यूज किया जा सकता है इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन ओके एंड द लास्ट वन जिसको कहते हैं वो होती है बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों फिजिकल प्रोपॉर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि जो चीज़ हमें दी गई है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो सॉलिड में है लिक्विड में है गैस में है और वो अगर लिक्विड है तो उसका टेम्परेचर कितना है बॉइलिंग पॉइंट कितनी है अगर वो सॉलिड है तो कितने डिग्री पे मेल्ट करेगा तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मोलिकुलों के निकालनी होती है तो हमें पूरी तरीके से चाहे वो इलेवंथ हो या ट्वेल्थ हो या जेई .E. का पेपर हो या नीट का पेपर हो हर बार में इसी बातों को पूछा जाता है तो ये आठ चीज़ें हैं जो हमें ऑर्गेनिक मोलिकुलों की जाननी है क्या क्या हमें जाननी है प्यारे बच्चों कि आप उसको लिखते कैसे हैं लिखा हुआ है तो पढ़ते कैसे हैं अगर आप लिख चुके हैं तो उसका नाम क्या हो सकता है अगर उस मोलिकूल में कोई बॉन्ड को तोड़ा जाए तो कैसे तोड़ा जाए और अगर बॉन्ड अगर बने हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं ये मॉलिकल के अंदर होता रहता है और मोलिकूल्स के बहुत सारे आइसोमर्स बनते हैं जिसको हम लोग उसका बहरूपिया कहते हैं एंड एडवांस में हमें पढ़ना है मैथड ऑफ प्रिपरेशन मॉलिकल्स को बनाया कैसे जाएगा उनकी क्या रिएक्शंस होती हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है और उनकी क्या फ़िज़िकल बिहेवियर होती है ये सारी बातें हमें समझनी है क्या सभी बच्चों को यह बात अच्छे से क्लियर हो गई प्यारे बच्चों कि हमें क्या पढ़ना है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ये बात सबको क्लियर हो गई एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से लिख करके मुझे बताइए फटाफट प्लीज एवरीबडी जल्दी से चलो बच्चों सब लोग एक बार मुझे सभी लोग प्यार बता दो बच्चों प्यारे बच्चों कि यस सर हमें समझ में आ चुका है कि एक्चुअली में हमें स्टडी क्या करनी है और हमने पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है इसी को माइंड में सेट करके पूरी इलेवेंथ और ट्वेल्थ में हम इनको कंप्लीट करेंगे ठीक है प्यारे बच्चों ओके चलिए ग्रेट तो सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली यस yes, आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लिखा कैसे जाता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है तो चलिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन क्या बच्चों रिप्रेजेंटेशन किसका ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चलिए तो प्यारे बच्चों नोट्स आप बाद में बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम है नहीं आप आराम से पहले सुनते चलिए क्योंकि आपको ये लेक्चर एक बार और ज़रूर से देखना है ठीक है क्योंकि एक बार में ये लेक्चर्स में पूरी चीज़ें आप एक बार में नहीं ग्रैप्स कर पाओगे तो आप सभी को जो भी लेक्चर्स होते हैं आराम से पहले सीखना है क्लास रनिंग क्लास जो लाइव हो रही है उसको पहले अच्छे से समझना है हाँ कॉपी रखना है बगल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो मैं लिखवाता हूँ बस उसको नोट करते चलना है लेकिन जो पूरा फेयर करना है वो क्लास के बाद करना है ठीक है रनिंग क्लास में अगर कर पाए मेरी स्पीड मैच कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर कोई बच्चे समझता समझने पर ज़्यादा फोकस है लिख नहीं पा रहे हैं तो फिर आप सभी को क्लास के बाद दोबारा से इस वीडियो को चलाना है और 1.5x पॉइंट पे लगा के इस वीडियो को दोबारा से देख करके नोट्स बना लेना है कोई दिक्कत नहीं होगी एक नहीं दो बार पढ़ लेंगे तो रिवीजन ही तो हो जाएगा ना क्लियर है आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमारा टारगेट यही है कि हम अपने मॉलिकूल को कैसे रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंटेशन के लिए बच्चों ऑर्गेनिक मॉलिकल को दो चीज़ दी गई है पहला उनका रिप्रेजेंटेशन एक मोलिकुलर फॉर्मूला के द्वारा किया जाता है किसके द्वारा प्यारे बच्चों बताओ फ्रॉम मोलिकुलर फॉर्मूला गौर फरमाए तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मोलिकल का मुझे क्या मिलता है मोलिकुलर फॉरमूला अब बताइए मोलिकुलर फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहली चीज यह बताती है कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिकूल के अंदर में कितने कार्बन एटम्स कितने ऑक्सीजन एटम्स कितने हाइड्रोजन एटम्स जो भी एटम से मिलकर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है उसका नंबर क्या है जैसे सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं मेरे पास एक इथेनॉल है जरा सोचिए अगर आपने कभी इथेनॉल का नाम सुना होगा तो इथेनॉल या इथेन से स्टार्ट करते हैं इथेन तो आपने एक नाम सुना होगा द स्टोरी ऑफ इथेन तो बताओ बच्चों अगर मैं इथेन को लिखने के लिए गया तो इथेन में दो कार्बन और छह हाइड्रोजन मौजूद होते हैं है ना अगर आपने पढ़ा होगा तो मेरे पास जैसे बेंजीन है क्या है बच्चों बेंजीन है तो ये तो उसका नाम लिखा हुआ है ये उसका नाम है लेकिन अगर नाम है तो उस मॉलिकूल में कितने कार्बन होते हैं छ हाइड्रोजन कितने होते हैं छे अगर हम इसको जानते हैं तो ठीक है नहीं जानते है तो कोई समस्या नहीं है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मुझे बताता है कि ये छे कार्बन और छ हाइड्रोजन से मिलकर बना है इसी तरीके से अगर मेरे पास मान के चल लिखा हुआ है सी टू एच फाइव बी आर तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो मुझे क्या पता चलेगा इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन और ब्रोमीन मौजूद है कितने कार्बन है दो हाइड्रोजन कितने हैं पांच ब्रोमिन कितने हैं एक क्लियर है वैसे प्यारे बच्चों जैसे आप ग्लूकोज को पढ़ते हो ग्लूकोज क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्या होता है सी सिक्स एच टूएल्व ओ सिक्स इससे मुझे क्या पता चला कि भाई ये मॉलिक्यूल में छह कार्बन बारह हाइड्रोजन और छह ऑक्सीजन मौजूद है यानी ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है तो सबसे पहली चीज होती है कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो केवल हमें ये इंफॉर्मेशन देता है उस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के एटम्स हैं और वो एटम्स कितनी बार आए हुए हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने में कितनी बार उस एटमों का यूज हुआ है कितनी एटम्स उसी टाइप के यूज हुए हैं पर बच्चों ये इंफॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट मतलब उतना क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होता ये जस्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन होता है किसी मॉलिक्यूल के बारे में बट जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका होता है अगला जो सबसे ज्यादा यूज है बच्चों वो होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला आई बच्चों इसी को समझना है तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है स्ट्रक्चरल यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो स्ट्रक्चरल है और स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताता है कि उनमें जितने भी एटम्स दिए हुए हैं वो एटम्स किस तरीके से बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ रहते हैं क्लियर प्यारे बच्चों तो ये हमें बताता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है बाय द बॉन्ड फॉर्मेशन यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर में एटम्स जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं जैसे प्यारे बच्चों इथेन आपने लिखा तो जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो बताएगा कि जो कार्बन है दो वो आपस में कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं और उसके पास छह हाइड्रोजन है और छह हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों तो जरा सोचिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन है एज कंपेयर टू मोलिकुलर फॉर्मूला है कि नहीं इसमें हमें पूरे मॉलिक्यूल्स का क्या दिखता है बॉन्ड को ओपन करके लिखा जाता है ताकि हम उस मॉलिक्यूल के बारीकियों को सीख पाए जैसे मेरे पास बेंजीन है अगर हम बेंजीन को गौर से देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो बेंजीन में छे कार्बन है और उस छे कार्बन को अगर देखा जाए स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेगा कि वो छे कार्बन कुछ इस तरीके से जुड़े हैं ठीक है और इसमें कार्बन कार्बन के एक के बीच में डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल फिर डबल फिर सिंगल ये जो बना है ये मॉलिकुलर फार्मूला नहीं है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो जरा सोचो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर ये जो रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल की इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है कि नहीं है बिल्कुल है तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो बहुत ही रोल प्ले करता है उस मॉलिक्यूल के पूरी तरीके से कनेक्टिविटी को बताने के लिए तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बताता है कनेक्टिविटी कि कौन से एटम के साथ बॉन्ड किस एटम का बंधा हुआ है क्लियर है जैसे यहां लिखा है सी टू एच फाइव बी आर इससे हमें पता नहीं चल रहा है इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम देखें तो क्या पता चलेगा बताओ सभी लोग तो सर यहां अगर हम देखें तो कार्बन कितने हैं दो हैं हाइड्रोजन कितने हैं पांच हैं अगर मैं पांचों हाइड्रोजन को इंडिकेट करूं तो कुछ इस तरीके से इंडिकेट करूं और मेरे पास एक क्या बना हुआ है ब्रोमीन जो कि इस तरीके से इंडिकेटेड है क्या मेरी बात आप समझ पाए इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मॉलिक्यूल कि भैया सारे एटम्स आपस में किस तरीके से जुड़ के मौजूद है वैसे ही बच्चों सी सिक्स एस टूल ओ सिक्स अगर आप अभी इसको देखें तो ये ग्लूकोज है है कि नहीं है तो ग्लूकोज में छह कार्बन कैसे जुड़ते हैं एक दो तीन चार पांच छाता है कितनी मजेदार चीज है और बताइए मेरे पास कितने, तो कितने हाइड्रोजन है जल्दी बताओ सर जी मेरे पास तो क्या है बारह हाइड्रोजन है अगर बारह हाइड्रोजन है तो एक एक हाइड्रोजन किसको मिल जाता है ऑक्सीजन को सारे ऑक्सीजन को एक एक हाइड्रोजन दे दिया जाता है गौर से देखना प्यारे बच्चों और बाकी बचे हुए हाइड्रोजन किसको मिल जाते हैं कार्बन को कार्बन को जरा गौर से देखिए तो अगर हमें इस स्ट्रक्चर को देखूं तो आप बताओ प्यारे बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसका मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखना काफी ज्यादा जरूरी है और इसी को हमें अच्छे से समझना है क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई प्लीज तो मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तहत लिखा जा सकता है और कंप्लीट उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के थ्रू लिखा जा सकता है पहले बताओ एवरीबडी इज दैट क्लियर फॉर एवरी जल्दी प्यारे बच्चों क्या यह बात सबको समझ में आ रही है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर ना कोई समस्या किसी को थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों जल्दी बताइए एवरीबडी, यस हम्म, चलिए फोर्टीन ही हुए हैं अच्छा सॉरी 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 बच्चों, ओके ओके ठीक है ठीक है सॉरी शक्तिमान यहां पे डबल बॉन्ड होता है ठीक है हाँ थोड़ा फ्लो फ्लो में रह गया यस yes. ये है सी डबल बॉन्ड ओ एच ठीक है सॉरी हाँ जिन बच्चों ने मेरे क्लियरिफिकेशन किया उसके लिए शुक्रिया सर जी हाइड्रोजन काउंट करें ओके गुरु हाइड्रोजन काउंट कर लिया ये लो ठीक है दो हाइड्रोजन को हटा दो कार्बन के साथ ओ बना दो अरे ऐसे मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है कि हाँ भाई ये जो मॉलिकुल्स होते हैं कुछ इस तरीका से बिल्कुल ठीक है ओके चलो अरे अच्छा भाई ओके आप सही है चलिए ओके बच्चों तो मेरा टारगेट ये रहा कि मुझे स्ट्रक्चरल फार्मूला को स्टडी करना है ठीक है मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमें पता चल चुका है तो आइए हमारा सबसे पहला फोकस होगा प्यारे बच्चों हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला को पढ़ना होता है तो प्लीज आप सभी को मॉलिक्यूल को लिखने आना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला अपने मॉलिक्यूल को कैसे लिखा जाए जरा हमें बताइए तो बच्चों सबसे मॉलिक्यूल को लिखने के लिए तीन स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है कितने थ्री तीन तरीके से हम मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर सकते हैं जिनमें से सबसे पहला जो होता है बच्चों उसको बोला जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको बच्चों कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चलिए सब लोग एक बार इसको अच्छे से क्लियर करिए कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होता है कि आप जितने आइटम्स हैं उनमें सबके बॉन्ड को आप इंडिकेट करके लिखिए ऑल बॉन्ड को ओपन करके लिखना है ठीक है जैसे मान के चलिए मेरे पास सी फोर एच टेन है जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ठीक है अगर मुझे इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल बताना है तो हम इसको सबसे पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से इंडिकेट करते हैं तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब हुआ कि आप उस कार्बन के चारों बॉन्डो को पूरा तरीका से इंडिकेट करेंगे और उसमें जितने हाइड्रोजन मौजूद हैं उन सारे हाइड्रोजन को आप पूरी तरीके से ऐड करेंगे ठीक है जहां जहां हाइड्रोजन की जरूरत है वहां आप दोगे और हाँ, इतना तो आपको याद होना चाहिए कि न, न, सेंस की बात है। इस कार्बन के एक सिंगल बोन बन चुका है तो तीन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो चलिए ठीक है ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है आप सारे बोन को इस तरीके से लिखते हो इसलिए इसको क्या किया जाता है इसको छोटा किया जाता है और छोटा क्यों किया जाता है ताकि हम इसको कम स्पेस में कम टाइम में लिख सके और जब हम इसको कम टाइम में लिखते हैं तो इसको छोटा करने का जो फॉर्मूला है इसको कहा जाता है कंडेंस फार्मूला क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको कंडेंस फॉर मूला क्या ये बात आप समझ गए हाँ सर दिस इज द कंडेंस फार्मूला और कंडेंस फॉर्मूला में क्या होता है जरा सुन लीजिए सभी लोग जैसे ये तीन हाइड्रोजन रिपीट हुए हैं तो हम क्या करते हैं इस, इस कार्बन पे इन तीनों हाइड्रोजनों का जो रिपीट है ना उसको एच थ्री के फॉर्म में लिख देते हैं है कि नहीं तो ये जो पूरा हाइड्रोजन जो आपने पूरा ओपन करके लिखा था उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए सिमिलरली अगला बताइए इस कार्बन के साथ क्या है दो हाइड्रोजन मौजूद हैं तो इसको क्या लिख देना है सी एच टू है ना बच्चों अगर इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन मौजूद है भी क्या लिख देना है सी एच टू और इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन मौजूद है सी एच थ्री तो अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है तो इसे कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला क्या बोलते हैं बच्चों कंडेंस जिसमें आपने उस एटम के सारे एटमों को ब्रांच जो भी था शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ठीक है जैसे अगर मान के चलिए मेरे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये लिखा हुआ है जिसमें मैंने यहां पे H और H रिप्रेजेंट किया हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है सी एच थ्री और यहां भी लिखा हुआ है सी एच थ्री सब लोग देखो अच्छे से देखो जरा सोचो अब मैंने ये जो मॉलिकूल लिखा है ये पूरी तरीके से इन्फॉर्मेटिव है अगर इसका कोई मोलिकुलर फॉर्मूला पूछे तो मैं कह दूंगा भैया इसके पास कितने कार्बन है तो टोटल पाँच और पाँच कार्बन के साथ बारह हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं लेकिन आप बताइए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं है और अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है तो हम क्या करते हैं इसको सिक्यूड करके लिख देते हैं जो चीज़ बार बार रिपीट है ना उसको शॉर्ट कर देते हैं तो जरा सोचे हमारे पास ये जो कार्बन है वन टू थ्री फोर और ये फाइव है ठीक है प्यारे बच्चों अगर इस कार्बन को इंडिकेट किया जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सी एस थ्री लिख सकते हो ना और इस कार्बन पे देखो क्या है इस कार्बन से जरा सोचिए एक हाइड्रोजन है और नीचे क्या बॉन्ड बना के कार्बन लगा हुआ है तो नीचे कार्बन भी है तो इसको क्या लिख सकते हैं सी एस थ्री और ये जो हाइड्रोजन है ना इसको बॉन्ड ना बना करके इसको केवल सी एच के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ठीक है तो उस बॉन्ड को एच वाले बॉन्ड को हटा करके उसको नॉर्मल सीएच लिख दीजिए और ये जो कार्बन है इसको क्या लिख दीजिए बच्चों सी एच टू और यहाँ क्या लिख दीजिए सी एच थ्री क्लियर है क्या ये बात सबको समझ में आ गई तो हम इन सारे एटमों को कंडेंस कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं ठीक है किसी को कोई समस्या जल्दी से बताइए एवरीबडी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो अगर मान के चलिए एक मॉलिक्यूल और मैं ले लेता हूं जैसे यहां पे मैंने ले लिया है ये और यहां पे सारे हाइड्रोजन को इंडिकेट कर दिया और यहां भी हाइड्रोजन लगा दिया सब जगह हाइड्रोजन लगा दिया अब बताओ ये थोड़ा स्पेशियल है कि नहीं है प्यारे बच्चों बिल्कुल स्पेशियल है और अगर ये स्पेशियल है तो हम क्या कर सकते हैं इनको शॉर्ट कर सकते हैं क्या शॉर्ट करेंगे तो जिस कार्बन जो कार्बन कार्बन जहां है उसको ऐसे ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है टोटल थ्री तो हम इसको क्या लिखेंगे सी एस थ्री सी एस थ्री यहाँ भी सी एस थ्री और यहां भी क्या लिख देंगे बच्चों सी एस थ्री तो अक्सर मुझे ना अपनी ऑर्गेनिक में इन तरीके के फॉर्मूला का इस्तेमाल ज्यादा करना होता है क्या ये बात सब लोग समझ गए प्यारे बच्चों यस और नो में जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी से बताओ बच्चों इज दैट ओके फॉर एवरीबडी इज दैट ओके फॉर एवरीबडी तो क्या हम जान पाए कि एक होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और दूसरा होता है कंडेंस फार्मूला क्या ये कंडेंस फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप सभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे क्या हम इसको अच्छा आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों यस और नो में जल्दी से मुझे बताते चलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं बच्चों चलिए ओके कोई समस्या किसी को नहीं तो सब लोग जितने भी देख रहे हो पहले तो एक बात बताओ अभी तक सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया है सेशन की फीस बस इतनी है कि आपको सेशन स्टार्ट करने से पर, के बाद सेशन को लाइक कर देना है ठीक है ये फीस होगी आपकी चलिए ओके बच्चों, आगे बढ़ जाए हाँ करो कोई दिक्कत नहीं है हम आगे बढ़ सकते हैं यस अब मैं क्या करने वाला हूं देखो कभी कभी क्या होता है कंडेंस फॉर्मूला जो भी आप लिखते हो ना है ना जैसे मैंने क्या किया था अभी लिखा था सी एस थ्री और यहां लिखा था सी एस थ्री और यहां लिखा था एच और यहां लिखा है सी एच टू सी एस थ्री आप बताओ क्या हम इस मॉलिक्यूल को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं अगर मेरे पास ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो हम इसके बॉन्ड को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं ना कि इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन इस कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है बाकी तीन कार्बन के बॉन्ड है तो आपको मॉलिक्यूल को देख करके फील आनी चाहिए कि हाँ मैं इसको पहचान रहा हूं इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई है कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अगर देखा जाए तो इस कार्बन पे देखो इस कार्बन के ऊपर में दो सी एस थ्री रिपीट है कि नहीं है तो हम क्या करते हैं ये जो कार्बन है सी एच ठीक है और इस पे क्या रिपीट है जरा बताइए तो दो सी एस थ्री रिपीट है है कि नहीं तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है इस सी एच थ्री को इसके बगल में लिखा तो जाता है पर इसमें ट्वाइस कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है बच्चों ट्वाइस यानी इस कार्बन से या बॉन्ड ऐसे सुनिए इस कार्बन को ऐसे लिखा जाएगा सी एच थ्री होल्ड ट्वाइस और फिर ये कार्बन लिख दिया जाएगा जिस कार्बन के बारे में बातचीत हुई ये वाली और उसके बाद जो इसके साथ बॉन्डिंग है लिख दिया जाए सी एच और यहां लिखा जाए सी एच टू सी एस थ्री तो आप सभी को घबराना नहीं है कि भैया ये जो सी एस थ्री होल्डस का मतलब क्या है जैसे इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन होते हैं तो हम सी एस टू लिख देते हैं वैसे अगर इस कार्बन पे दो सी एस थ्री ग्रुप लगे हुए थे तो इसको क्या किया जाता है शॉर्ट करके सी एस थ्री होल्डस लिख दिया जाता है ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं क्योंकि ऐसे चीजें हमें एग्जाम मिले तो हम इसमें कंफ्यूज ना हो जैसे अगर बच्चों मेरे पास यहां पे इस कार्बन पे जरा देखें यहां लिखा है सी एच थ्री सी एच थ्री और यहां लिखा है सी एच थ्री और अगला लिखा हुआ है सी एच टू सी एच थ्री अब जरा सोचिए ये तो कंडेंस फॉर्मूला ऑलरेडी है ही जिसमें हाइड्रोजन को मैं तीनों हाइड्रोजन को एक साथ लिख रहा हूं जितने भी हाइड्रोजन है उसको सिकुड़ करके लिख चुका हूं लेकिन आप यहां देखो रिपीटेशन देखो रिपीटेशन रिपीटेशन का मतलब इस कार्बन पे फोकस करिए और इस कार्बन पे देखिए ये मिथाइल तीन बार तो एग्जामिनर क्या करेगा ये सी एस थ्री सी एस थ्री को ना आपको इस तरीके से लिख करके दे देगा होल ठीक है जिससे क्या पता चला है कि यह सीएस कितनी बार लिखे हुए हैं तीन बार किसके ऊपर में कार्बन के ऊपर में और इस कार्बन के बाद क्या है अगला सी एच टू है और अगला फिर क्या है सी एस थ्री है तो क्या हम इस बात को समझ पाएंगे बच्चों कि अगर कहीं पे सी एस थ्री होल्थ्राइस लिखा हुआ है इसका मतलब हमें उसको ओपन करने आना चाहिए तो एग्जामिनर आपको ये लिखा हुआ देगा आपको लिखने के लिए नहीं कहेगा पर आपको समझना होगा कि ये तीन मिथाइल सी एस थ्री का मतलब है इस कार्बन पे तीन सी एस ट्री लगे हुए हैं क्या मेरी बात आप समझ पाए जैसे एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं फिर पूरी तरीके तो से क्लियर हो जाएगा ये देखो अगर एग्जामिनर ने आपको इस तरीके से लिख करके दिया है और कहा है इस जो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है इसको जरा गौर से देखिए और हमें बताइए कि इसका जो अटैचमेंट है इसको थोड़ा ओपन करके लिखिए ये आपने इसको और ये तो कंडेंस था इसको और, और आपने फोल्ड कर दिया इसको थोड़ा ओपन करिए तो अगर इसको ओपन करके पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाएगा आप ही बताओ बच्चों क्या सीख क्या समझोगे आप इसमें कि ये जो सीएस थ्री है ये दो बार है दो बार है किसके ऊपर में इस कार्बन के ऊपर में ठीक है तो आप क्या बोलोगे सर ये कार्बन है और इस कार्बन पे क्या है दो सीएस थ्री ग्रुप लगे हुए हैं क्या ये बात आप क्लियर हो गए बच्चों हाँ सर क्लियर है और इसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ठीक है हाइड्रोजन को आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं बोलो अब बताएं अगला क्या है कि सर यह सीएस होल्ड दो दिखा हुआ है किसके ऊपर में ये जरा बताओ ये किसके ऊपर में होगा इस कार्बन के ऊपर में होगा है कि नहीं तो इसका मतलब हुआ ये कार्बन है और यहां पे दो सी एस थ्री ग्रुप रिप्रेजेंट किए गए हैं बोलो बच्चों और इसके साथ क्या लगा हुआ है एक हाइड्रोजन इंडिकेटेड है क्लियर है तो आपको ये चीज लिखी हुई थी आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया ये आपको तो ओपन करके लिख दिया क्योंकि अगर एग्जाम में ये चीज लिखी हुई है ना तो इसको जस्ट आप ओपन करके ओपन करके लिख सकते हैं और यही काम करना है क्योंकि जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे ना तब तक आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन सही सही नहीं निकाल पाएंगे ठीक है क्या यह बात सबको क्लियर हो गई है यस yes और नो no, में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों एवरीबडी इज दैट ओके फॉर यू सब लोग बताओ एक बार अच्छे से जितने लोग भी देख रहे हो है ना बच्चों तो आप सभी को इस तरीके से मॉलिकल्स को रिप्रेजेंट करने अच्छे से आना चाहिए तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए आप इन सब चीज़ों में अच्छे से कंफर्टेबल फील करोगे ना बच्चों पक्का बता दीजिए हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ओके तो बच्चों एक बात बताओ मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ आप इस सवाल को पूरी तरीके से कंप्लीटली रिप्रेजेंट करोगे चलो सब अपने कॉपी में ये एक बार इंडिकेट करो और आप सभी इसको पूरी तरीके से इंडिकेट करके लिखो तो कितने लोग इसको लिख पाएंगे चलिए सब लोग प्लीज इसको इंडिकेट करके लिखिए चलो फटाफट क्लास वर्क है आप सभी इसको इंडिकेट करके लिखो जल्दी से चलिए दो सवाल मैंने आपको दिया है आप सो, सभी लोग इसको इंडिकेट करके लिखेंगे जल्दी से चलो क्या आप इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों अगर ये रिप्रेजेंटेशंस हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना चलिए सब लोग एक बार इसको लिख करके दिखाइए अपनी कॉपी में सब लोग लिखिए इसको क्या इंडिकेट कर सकते हैं इसका मतलब क्या सीखा आपने बताओ सब लोग हाँ जी सर तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को गौर से देखूं तो सर ये क्या है ये कार्बन है और इस कार्बन पे आपने क्या बोला है थ्री मिथाइल थ्री सी एस थ्री लिखा हुआ है जिसको हम आगे चल के मिथाइल कहेंगे तो ये तीनों मिथाइल को हम इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं कर सकते हैं ना हाँ सर कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी फिर तो सर अगला कार्बन ही तो आ गया और अगला कार्बन आ गया तो इस कार्बन पे भी क्या लगा हुआ है जल्दी बताइए तीन सी एस थ्री ग्रुप लगे हुए हैं आइए तीन सी एस थ्री ग्रुप को इंडिकेट कर लीजिए इसको वेरी गुड तीन सी एस थ्री को इंडिकेट कर लीजिए कर लिया आपने वैसे ही अगर इस कार्बन को देखा जाए तो इस कार्बन पे क्या है तीन सी एस फोर चार सीएस फोर ग्रुप लगे हुए सीएस थ्री ग्रुप लगे हुए एक दो तीन चार इंडिकेट करो इसको समझ गए प्यारे बच्चों तो आप सभी को इनका कंडेंस फॉर्म लिखना और अगर कंडेंस फॉर्म लिखा हुआ है तो इसको ओपन करना अच्छे से आना चाहिए तो आई होप ये बात आप सभी ने कंप्लीट कर ली होगी सबने कंप्लीट कर लिया ना बच्चों बस गुड तो अगर आप ये अच्छे से कंप्लीट कर पाते हो तो ये है कंडेंस फॉर्मूला ठीक है दिस इज द कंडेंस फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स तो चलिए ये तो मैंने आपको बताया एक कार्बन कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है अब इसी कंडेंस फार्मूला में अगर मैं किसी डबल बॉन्डेड कार्बन को लेके आता हूं तो जरा सोचो अभी तक जो भी मैंने लिखा है ये सब के सब सिंगल बॉन्डेड है कि नहीं है ये सब के सब कैसे कार्बन है बच्चों सिंगल बॉन्डेड

कंप्लीट स्ट्रक्चरल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को मैंने इंडिकेट किया है अब मैंने अगर कंडेंस किया किया छोटा किया, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा सभी लोग बताओ तो सर पहले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है तीन है आप इस तीन हाइड्रोजन को इंडिकेट कर सकते हैं फिर क्या होगा बताइए अगला कार्बन जरा बताइए उस कार्बन में कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं दो और उस पर एक CH लगा है तो हम इस सीएच लिख करके डबल बॉन्ड बना दे कोई प्रॉब्लम किसी को है ना और फिर बताओ इस कार्बन पे कितने हैं हाइड्रोजन एक है और उसके बाद जो कार्बन है उसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए तीन तो आप इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो तो हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए क्लियर है इसी तरीके से बताइए अगर मैंने इस कार्बन को डबल बॉन्ड बना के दिया और यहां आपके सामने मैंने इस कार्बन के चार बॉन्ड और बना दिए चार कार्बन और जोड़ दिए आप बताइए बच्चों इज दैट डबल बॉन्डेड कार्बन ना ठीक है अब इसमें मैंने क्या किया है तीन हाइड्रोजन इस तरीके से इंडिकेट किया आप बताइए ये तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला है ना कंप्लीट का मतलब हर एक हाइड्रोजनों को आपने क्या किया है पूरी तरीके से ओपन किया हुआ है अब मैं इसको कंडेंस करना चाहता हूं डबल बॉन्डेड कार्बन है कंडेंस किया जा सकता है हाँ, किया जा सकता है सर तो जरा सोचो कंडेंस करने के लिए क्या करना होगा पहले ये कार्बन को गौर से देखो इस कार्बन को क्या लिखा जा सकता है सी एच थ्री लिखा जा सकता है फिर कार्बन आया इस कार्बन के साथ अभी कोई एच लगा है क्या नहीं लगा है सर अगला कौन है कार्बन ही क्या लिखोगे सी एस थ्री बोलो बच्चों और यहां डबल बॉन्डेड कार्बन है ठीक है अब इस कार्बन के साथ फिर क्या लगा है सी एच थ्री और फिर क्या लगा है सी एस थ्री हमें यहां तक रुक जाना है लेकिन अब क्या इसको और छोटा किया जा सकता है आप ही बता दो हाँ सर किया जा सकता है कैसे ये जो कार्बन है इस पर दो सी एस थ्री रिपीट है तो इस रिपीटेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं सी एच थ्री होल ट्वाइस लिख सकते हैं हाँ सर लिख सकते हैं और इसके साथ क्या जुड़ा है कार्बन किस कार्बन ये और उसके बगल में क्या है डबल बॉन्डेड फिर क्या है कार्बन और फिर क्या लिखा हुआ है दो सी एस थ्री होल्ड ट्वाइस इसका मतलब हमें मॉलिकूल का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए तो अगर वो डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको इस फॉर्म में से ओपन कर सकते हैं ठीक है तो जरा सोचिए हमारा टारगेट होगा ये फॉर्म को इंडिकेट करना ठीक है हमें इस फॉर्म तक पहुंचना है अगर एग्जामिनर हमें ये फॉर्म देता है तो इस फॉर्म को ओपन करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है क्यों क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस है ठीक है और ये कंडेंस बहुत ज़्यादा हमारे काम का नहीं होता है पढ़ने के लिए समझने के लिए इसको सेमी कंडेंस कहते हैं सेमी मतलब ना पूरा ना कम बीच वाला इज़ दैट ओके तो जरा सोचे अगर मैं आपको ये मॉलिक्यूल बना के दूं और आपसे इन्फॉर्मेशन मांगूँ कि चलो बच्चों आप मुझे इसका इंफॉर्मेशन जरा बना के दो कि यहां पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है उसका सेमी कंडेंस फॉर्म क्या होगा आपको बताना है ठीक है पक्का बताओगे बताओगे ना चलो सब लोग इसको सेमी कंडेंस बनाइए तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सेमी कंडेंस फॉर्मूला बना सकते हैं चलिए मैंने आपको यह फॉर्म दिया है आपको इसका सेमी कंडेंस बनाना है सेमी कंडेंस का मतलब समझ रहे हैं ना बॉन्ड को इस तरीके से ओपन करके चलिए कितने लोग इसका सेमी कंडेंस फॉर्मूला बना सकते हो योर टाइम स्टार्ट ना शुरू हो जाओ प्यारे बच्चों एवरीबडी चलो सब लोग बनाओ <coughs> क्या आप सभी को समझ में आ रही है चीजें बच्चों फर्स्ट आज क्लास है ऑर्गेनिक का तो क्या आप सभी को कुछ फील हो रहा है कि जो आपने शुरुआत में ऑर्गेनिक आपने जो पढ़ी है ऑर्गेनिक जो और अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो क्या दोनों में कुछ फर्क समझ में आ रहा है आप सभी को जल्दी बताइए तो सब लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइए तो ओल्ड ऑर्गेनिक जो आप पढ़ के आए हो और जो ऑर्गेनिक आप न्यूली पढ़ रहे हो क्या इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी का मतलब समझ में आ रहा है क्या समझ आपकी और क्लियर हो रही है क्या एक बार मुझे बताइए सभी लोग यस पढ़ना लिखना तो चलता रहेगा हाँ बनाते रहो पहले पता ये बताओ मुझे क्या पहले वाले कॉन्सेप्ट में और अभी वाले कॉन्सेप्ट में कुछ फर्क दिख रहा है पढ़ने का सलीका जो है तरीका जो है उनमें उन थोड़ी सा भी डिफरेंस आपको कुछ समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों है कि नहीं है ना चलिए ठीक है अब तब अपना कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपकी जो ऑर्गेनिक थी अभी से मैंने जस्ट अभी बिगनिंग करी है अभी तो शुरुआत है अभी तो बहुत ही लंबा दूरी हमें तय करना आपको पता है आठ यूनिट्स हमें कवर करने होंगे तब जाके हम ऑर्गेनिक में थोड़े स्ट्रांग बन सकते हैं तब जाके हमारी चीजें स्ट्रांग होगी पर अभी के लिए हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा कि भाई करना क्या है चलिए थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है आप सबको ना ठीक ओके ठीक गुड तो बच्चों एक बात बताओ अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं क्या हम इसको ओपन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर इस कार्बन को गौर से देखें इस कार्बन पे तीन सीएस री लगे हैं तो मैं इन तीनों सीएसरी को इंडिकेट कर दूं क्या सर ये कार्बन तो सिंगल बॉन्डेड है क्योंकि ये चारों सिंगल बॉन्डेड है कि नहीं हाँ सर सिंगल बॉन्डेड है उसके बाद जो अगला कार्बन है इस पर एक हाइड्रोजन लगा है है कि नहीं और बाकी पे एक बार डबल बॉन्डेड कार्बन है और उस पर दो सी एस थ्री ग्रुप लगे हुए हैं क्या लगे हुए हैं दो सी एस थ्री और दो ही लगने चाहिए है नहीं तो कि नहीं बच्चों क्योंकि आप बताओ यहाँ पे दो डबल बॉन्ड हो गए हैं डबल बॉन्ड हो गए हैं तो इसके पास तो दो कार्बन के बॉन्ड तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं बाकी दो ही बॉन्ड बचे होंगे आप इसको इंडिकेट कर सकते हो ठीक है हाँ जी सर चलिए गुड तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहे वो डबल बॉन्डेड हो चाहे वो सिंगल बॉन्डेड हो आप उनको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अब आते हैं बच्चों ये था ट्रिपल डबल बॉन्डेड ठीक है अब हम लोग आते हैं दैट इज द ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम में ट्रिपल बॉन्डेड अगर एग्जाम में हमें ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम मिलते हैं ट्रिपल बॉन्डेड गौर फरमाए अब ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम किसको कहते हैं सर जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड आ जाए दिस आर द ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम क्लियर है हाँ सर ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है और ये जो ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम होगा दिस इज द अल्काइंस और ऐसे अल्काइंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे बताओ अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मुझे गिवन होगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे क्या हम इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन दे सकते हैं चेक करो तो जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अगर यहाँ लिखे हुए हैं इसको कोई हाइड्रोजन देने की जरूरत है क्या चेक करो क्योंकि सर इस कार्बन के ऑलरेडी एक दो तीन और चार बॉन्ड बन चुके हैं तो एच देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है और बताइए अगर इसको कंडेंस करना पड़े तो क्या लिखना पड़ेगा सी एच थ्री कार्बन और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन बगल में कार्बन और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं तीन है कि नहीं बच्चों इसका मतलब आप किसी भी ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम को भी कंडेंस कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टारगेट हमारा यही है कि हम अपने मॉलिकल्स का कंडेंस फॉर्म अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए तो बच्चों ये जो मॉलिक्यूल थे ना ये सब के सब रिप्रेजेंट करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी आप इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते थे जैसे अब मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं जैसे मेरे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंडेंस हो गया अब अगला टारगेट होता है बच्चों जिसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन फार्मूला ठीक है क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों बॉन्ड लाइन फार्मूला ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं और बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में बात करते हैं क्या हो गया प्यारे बच्चों एनी प्रॉब्लम क्या हो गया परेशान लग रहे हो सभी संगीता के रीन अच्छा पहले का जवाब था क्या ठीक है ओके अब आते बच्चों हमारा टारगेट जो मेन है वो है द कंडेंस फॉर्म के बाद हमारा अगला टारगेट होता है जिसको कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो इंडिकेट करो लिखो बच्चों द स्टोरी ऑफ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है इसको दिस इज द कोल्ड बॉन्ड लाइन फार्मूला अब ये लाइन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है समझिए हमारा का का जो representation का जो सबसे पार्ट है, वो होता है bond line. और bond line का मतलब जरा गौर से देखिए, जैसे ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑलरेडी इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ था मैं चाहता हूं इसको और भी ज्यादा शॉर्टकट से लिखना तो साइंटिस्ट क्या करते हैं वो कहते हैं कि आप इसको ना कि बॉन्ड को ना एक लाइन से इंडिकेट कर सकते हो ओनली लाइन जिसमें कार्बन को लिखने की जरूरत नहीं है कर तो यूज है? करते हैं, हैं। किसके लिए बॉन्ड को दिखाने के लिए और ये कहते हैं जब हमारे पास जो लाइंस होनी चाहिए उस लाइन को जिगजैग मैनर में इंडिकेट करो किस मैनर में बच्चों बोले तो जैसे मेरे पास एक दो तीन चार कार्बन है तो हम इन चार कार्बन को कैसे स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे टर्मिनल कार्बन है सबसे आखिरी कार्बन है उसको एक पॉइंट से इंडिकेट करिए किससे इंडिकेट कर लीजिए पॉइंट से उसके बाद जो अगला कार्बन आपको इंडिकेट करना है ना उसको आपको कार्बन ओमिट कर देना है याद रखिए कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखना है को नहीं लिखना होता है तो जब आप बॉन्डलाइन फॉर्मूला लिखते हो ना तो कार्बन हाइड्रोजन को नहीं लिखना है ठीक है और इसको रिप्रेजेंट किससे करना है तो गौर से सुने हम इसको एक लाइन से इंडिकेट करेंगे तो जैसे ये वन कार्बन ये टू कार्बन ये थ्री कार्बन और ये फोर कार्बन है तो हम क्या करें इस वन कार्बन को लाइन से इंडिकेट करना और लाइन बिल्कुल तिरछी खींचनी है तिरछा जैग मैनर में ठीक है सीधा नहीं खींचना है जिग जैग तो अगर आपने पॉइंट को रखा था मान के चलिए तो आप लाइन नीचे भी खींच सकते हैं आप लाइन ऊपर भी खींच सकते हैं और जब आप लाइन को जहां रोकेंगे ना कार्बन होगा क्या होगा वो कार्बन होगा ठीक है तो किसी ने लाइन को ऊपर से पॉइंट शुरू किया है नीचे कर सकता है और कोई नीचे से स्टार्ट किया तो ऊपर ले जा सकता है तो जरा आपने जहां लाइन को छोड़ा वो लाइन कार्बन हो जाएगा तो आपने कौन से कार्बन को लिख दिया ये वन कार्बन नंबर था ये टू कार्बन हो गया अब फिर से अगर आपने लाइन को नीचे की तरफ खींचा था तो अगला बार आप इसको ऊपर लेके जाइए कहां लेके जाइए ऊपर और जहां आप इसको छोड़ेंगे वो क्या बन जाएगा कार्बन तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर और फिर तीन के बाद आपको एक और लाइन खींचनी है तो फिर आप क्या करना होगा आप अब ऊपर गए हैं अब आपको नीचे आना होगा तो ये हमारा फोर्थ कार्बन होगा क्या मेरी बात आप समझ पाए बच्चों तो जहां से आप कार्बन को छोड़ेंगे ना वहीं पे आपको आप पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं कोई बच्चा क्या किया था बताओ अभी मैंने कहा यह कार्बन हमारा पॉइंट है ठीक है और अगर मैंने इस लाइन को नीचे ना ले जाके ऊपर ले आया तो ऊपर जहां पर मैंने लाइन को छोड़ा जिस पॉइंट पर छोड़ा वो क्या हो जाएगा कार्बन और फिर आपको कितने कार्बन लिखने हैं चार हैं तो आप फिर क्या करोगे नीचे की तरफ लाओगे तीसरा फिर क्या लेके आओगे चौथा तो ये जो आपने बनाया है ना ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इंडिकेट किया है तो आप इस कार्बन चेन को जो कंडेंस था इसको अगर इस फॉर्म से लिखते हैं केवल लाइन से लिखते हैं तो इस फार्मूला को क्या बोला जाता है इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो जब हम लोग ऑर्गेनिक को बहुत डिटेल में पढ़ने लगते हैं ना तो फिर हम इस फॉर्म को छोड़ करके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बॉन्ड लाइन में ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं सब लोग देखो जैसे मैंने मान के चलिए ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लिखा है CS3, CH2, 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 आप बताओ इसमें टाइम ज्यादा लग लग रहा रहा है है कि नहीं लग रहा है लिखने में तो साइंटिस्ट क्या करते हैं इस इस फॉर्म को कंडेंस करके को और भी शॉर्ट करके बॉन्ड लाइन बना देते हैं तो पहले बताओ इसमें टोटल कितने कार्बन आइटम्स हैं जल्दी बताइए वन टू थ्री फोर एंड फाइव है कि नहीं तो ये फाइव कार्बन जो एटम्स हैं हम इनको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों पॉइंट रख दिया जहां आपने मारकर अपना कलम का पॉइंट रखा वो एक कार्बन हो चुका है अब आपका मन है आप ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं मेरा मन है मैं नीचे लेके आ गया जहां मैंने लाइन को छोड़ा वो दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन तो अगर मैंने ये फॉर्म लिखा है ये कोई दूसरा बच्चा इसको देखे ना तो क्या बोलेगा फिजिक्स का बच्चा इसको देखे वो क्या बोलेगा अरे तो डब्ल्यू लिखा हुआ है लेकिन एक केमिस्ट्री का बच्चा जब इसको देखेगा तो क्या इंडिकेट कर सकते हैं हाँ, अगर कोई बच्चा ये कहता कि सर जी मैंने इस पॉइंट को यहां से जगह ऊपर लेके गया ऊपर ले लिया फिर क्या करना है नीचे फिर क्या करना है ऊपर फिर क्या करना है नीचे तो क्या ये एक लाइन लिखी हुई है जैग लिखी हुई है ठीक है और सॉरी जहां पे लाइन स्टार्ट होती है वो कार्बन एटम होता है इस बात को समझ लीजिए और जरा सुनिए जहां दो लाइनें एक दूसरे से टकराती हैं कटती हैं जंक्शन जहां है वो भी क्या होता है कार्बन होता है क्लियर होगा या बताइए ये दो लाइनें जहां कट रही हैं वो भी क्या होगा कार्बन होगा समझने के लिए और ये दो लाइनें जहां कट रही है वो भी क्या होगा कार्बन और जहां लाइन खत्म है वो भी क्या होगा कार्बन सॉरी बच्चो तो मेरे पास यहां पर टोटल कितने कार्बन हो गए पांच जो पांच आपको दिए गए थे क्या सारे बच्चों को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का मतलब समझ में आया है और नो में जवाब दो प्यारे बच्चों अच्छा जी ठीक है हाँ और हाइड्रोजन को लिखना नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन को यहां इंडिकेट नहीं करना ये छुपे हुए रहते हैं क्या मेरी बात आप समझ गए <coughs> <coughs> तो बच्चों जो हमारे पास बॉन्ड है ना केवल कार्बन और हाइड्रोजन को इंडिकेट यहां पे नहीं करना है समझ गए तो जरा सोचो अगर मैं आपको एक मॉलिक्यूल देता हूं अगर मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं और ये मॉलिक्यूल आपके सामने में लिख रहा हूं तो प्यारे बच्चों क्या आप इस मॉलिक्यूल का कंडेंस फॉर्मूला बना सकते हैं जरा सोचिए अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं ठीक है ये चलो सभी लोग इस मॉलिक्यूल का क्या बनाओ कंडेंस फॉर्मूला क्या बना सकते हो कंडेंस फॉर्मूला चलिए पहले आप इस मॉलिक्यूल का जरा मैंने ये आपको लिखना सिखाया है और मैंने आपको ये लिखा हुआ दे दिया है तो क्या आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कितने बच्चे कर सकते हैं इस मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में कन्वर्ट ठीक है चलिए स्टार्ट करिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए सर कैसे पता लगेगा कितने हाइड्रोजन है अभी बताएंगे इसलिए आप इस फॉर्म को जरा देखिए और पता करिए कितने हाइड्रोजन है चेक करिए चलिए पहले आप इस सवाल का जवाब खुद दीजिए फिर जहां आप फंसोगे वहां पे आएंगे हम दोबारा से क्लियर करने के लिए चलिए इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो कॉमन सेंस से कन्वर्ट करिए पहले अपना ऑफिशियल नाम बताओ किंग रील्स ऑफिशियल प्लीज अपना नाम बताओ नाम तुम्हारा क्या है प्यारे बच्चा पहले ये बताओ ये जो तुम्हारा जो नाम है ना ये नाम मज़ेदार नहीं है पहले बताओ क्लास में तुम्हारा क्या नाम है करण तो करण बाबू पहले तो नाम चेंज कर <coughs> नाम चेंज कर अपना ठीक है यहां देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखू प्यारे बच्चों तो बताइए यहां पे सबसे पहले कितने कार्बन हम इंडिकेट कर सकते हैं मैंने क्या सिखाया ये सब, के सब कार्बन आइटम है एक दो तीन चार पांच छ और एक सात है कि नहीं है ना अब जरा सोचो अगर हम इस कार्बन को इंडिकेट करें तो कितने कार्बन है बताओ नंबरिंग करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन है ना बच्चों अब ये जो सेवन कार्बन है हम इसको लाइन में लिख सकते हैं ये भले आपका जिक्जैक्ट मैनर में है लेकिन इसको जब इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो सारे कार्बन किस में लिखे जाएंगे लाइन्स में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ठीक और जरा सोचिए सब जगह कैसे बॉन्ड है हर जगह सिंगल बॉन्ड है कि नहीं वन और टू के बीच में एक ही बॉन्ड लगा हुआ है तो ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कि नहीं प्यारे बच्चों अब जरा सोचो यहां आपको हाइड्रोजन तो दिया नहीं था ना दिया था क्या नहीं लेकिन आपको खुद सोचो कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने जल्दी बताओ केवल एक अगर इस कार्बन के एक बॉन्ड बने हैं तो बाकी उसको तीन बॉन्ड बनाने हैं और वो तीन बॉन्ड किससे बना होगा हाइड्रोजन से ठीक है तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में हाइड्रोजन दिखाई नहीं देता पर मौजूद रहता है भूत की तरह मौजूद है वो पर आपको दिख नहीं रहा है तो जरूरत पड़ने पे दिखेगा तो जरा सोचिए इस कार्बन के एक ही बॉन्ड बने हैं बाकी बॉन्ड कितने बचे हैं तीन तो ये तीन बॉन्ड किससे जुड़े होंगे सी एच थ्री क्लियर है अगला देखो ये कार्बन है इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने जरा सोचो एवरीबडी इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने बने एक और एक और दो कि नहीं तो यहां पे क्या होगा CH2. होगा कि नहीं होगा अगला देखो तीसरे नंबर पे आओ तीसरे नंबर पे इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं दो बाकी कितने हाइड्रोजन होंगे दो होंगे है कि नहीं आप खुद ही सोचो ना यार यहां कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए हैं दो बने हैं ना बाकी कितने बॉन्ड होंगे इसके दो हाइड्रोजन के क्या ये बात आप समझ गए अगला बताओ सी एच टू है कि नहीं यहां भी बताओ क्या होगा सी एच टू और यहां भी क्या होगा सी एच अब इसके तो एक ही बॉन्ड बने हुए थे बाकी क्या चाहिए तीन हाइड्रोजन समझ गए तो कहां कितना हाइड्रोजन होगा वो आप पता लगा सकते हो बस अत्य आपको पता होना चाहिए उस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है अब बताइए करण बाबू क्या ये बात आप समझ गए जो हमसे सवाल कर रहे थे क्लियर होगा प्यारे बच्चों यस तो हमारे सामने जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिखे होंगे ज़्यादातर आपके इलेवन ट्वेल्थ में बच्चों आपको इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा ठीक है ना लेकिन आप बताओ क्या हम अगर इस फॉर्म में भी इसको लिखे तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या अगर गलती से लिखा हुआ मिल जाए तो क्या हम ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते ईजिली फेस कर सकते हैं बट हाँ हमें पता होना चाहिए हाँ देखो ऑर्गेनिक में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है ये सबसे अच्छी चीज़ है बायो वाले बच्चों के लिए तो ये समझो ये वरदान है कि भैया यहाँ कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनका दिमाग हैंग हो चुका होता है बाई वाले बच्चों के लिए कि भैया मैथ आ गया राउंड लो हैनरी लो को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है सर बहुत फार्मूला है लेकिन ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है शानदार है बहुत इज्जत से आपसे बात करती है बहुत तहजीब से बात करती है बसरते आप उसको उस नज़रिए से देखो अगर आपने उसको नज़रिया नहीं देखा सही तो फिर ये बहुत भयानक रूप ले लेती है और आपको परेशान कर देगी बट आपको परेशान नहीं होना है इसे तहजीब से बात करिए और जो ये कहना चाह रहे हैं उनको अच्छे से अदब से सुनिए प्यार से सुनिए आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करेंगे ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे लेकिन अगर आपने इनको ढंग से नहीं समझा ढंग से नहीं देखा तो फिर ये आपको कुछ नहीं समझ में आएगा एक भूल भूल बोलते ना एक पहेली की तरह है फिर बुझाते रहो जिंदगी भर बुझने वाला नहीं है चलो प्यारे बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहीं पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको हम लोग लीनियर और ब्रांच में डिवाइड करते हैं तो मैंने आपको बताया था जो ऑर्गेनिक मॉलिकल्स है ज्यादातर कार्बन के मॉलिकल्स जरा सोचिए ब्रांच मॉलिकल के नाम से हम लोग इसको जानेंगे तो ब्रांच ऑर्गेनिक मॉलिकल्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं ठीक है अच्छा ब्रांच से पहले चलो एक बार जरा देखो ब्रांच मॉलिकल से पहले अगर मैं आपको थोड़ा डील करूं चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं ब्रांच से स्टार्ट कर देते चलो अगर मैं ब्रांच ऑर्गेनिक दि� मॉलिकल की बात करूं किसकी बात करूं प्यारे बच्चों ब्रांच ऑर्गेनिक मॉलिकल्स तो ब्रांच का मतलब क्या होता है आप बताइए क्या आप कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है बॉन्डलाइन फॉर्मूला क्या होता है अभी मैं रिप्रेजेंटेशन पे ही हूं क्योंकि सबसे फंडामेंटल है रिप्रेजेंटेशन जो बच्चा रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से सीख गया वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बहुत ही अच्छे से सीख जाएगा तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबसे फंडामेंटल है हम इसलिए इसको ज्यादा टाइम देंगे क्योंकि हम हर एक मॉलिक्यूल को एक बार देखेंगे रिप्रेजेंट करेंगे फिर हम उसका नाम लिखना शुरू करेंगे ठीक है तो बिना रिप्रेजेंटेशन किए हुए नाम लिखना सही नहीं है तो ब्रांच का मतलब होता है ब्रांच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे बच्चों कार्बन बिल्कुल सीधे लाइन में जा रही है क्या जा रही है है सीधे लाइन में ये एकदम एक एक के बाद एक लगी हुई है। लेकिन अगर कोई कार्बन के बाद कोई मोड़ आ गया मोड़ मतलब कि अब उस कार्बन से दो कार्बन जुड़ गए हैं एक आगे एक पीछे और एक तीसरा कार्बन भी अगर उससे जुड़ गया गौर से सुनिए तो क्या ये कार्बन लाइन में होंगे सारे जरा बताओ तो क्या हम कह सकते हैं मैक्सिमम कार्बन जो है वो कितने कार्बन एक लाइन में मौजूद हैं तो बच्चों अगर हम किसी कार्बन के आगे जा रहे हैं और उसके बाद टर्निंग आ गया मोड़ आ गया तो समझ आइए वो अब जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाएगा ब्रांच कहलाएगा ब्रांच जैसे बच्चों पौधा जब पेड़ का छोटा होता है ठीक लेकिन जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता है अब बताइए मेन ब्रांच से उसके कुछ ब्रांच निकलना शुरू हो जाते हैं कि नहीं होते बच्चों ब्रांच निकलना शुरू हो जाते हैं ये मेन ब्रांच था लेकिन अब कुछ ब्रांच आने लगते हैं, शाखाएं आने लगती है तो सेम काम मॉलिक्यूल के साथ भी होता है कि मॉलिक्यूल लाइन में जा तो रहे थे लेकिन जाते जाते क्या हो गया एक मोड़ आ गया मैं उठे दिल छोड़ आया तो जरा सोचिए यहां पे कार्बन आगे बढ़ रहा है फिर इस कार्बन के साथ कोई मोड़ आ गया टर्निंग आ गई ये आगे बढ़ा इस कार्बन के साथ कोई टर्निंग आ गया तो जब आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन सीधा ना दिख करके टर्निंग खाता हुआ दिखे तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग ब्रांच ठीक है? तो आपको ब्रांच और लीनियर के बारे में आइडिया होना चाहिए तो जरा सोचिए अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसा लिखा हुआ है ऐसा क्या हम इसको लीनियर बोलेंगे या ब्रांच तो बच्चों ये अगर लिखा हुआ है ना ये लीनियर ही है लीनियर का मतलब कार्बन के बाद पूरे कार्बन ही आपको मिल रहे हैं सीधे लाइन में अब लिखा हुआ भले ये ट्विस्ट करके लिखा हुआ है लेकिन है तो ये लीनियर ही कैसे आप जरा सोचिए इस कार्बन के बाद आपको कार्बन मिला फिर सीधे कार्बन मतलब उसके बाद कार्बन कार्बन ही टर्न टर्न नहीं है मतलब उस कार्बन से दो ऑप्शन नहीं है एक ही ऑप्शन है कार्बन के बाद कार्बन 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 कार्बन के बाद तो आपके पास ऑप्शंस एक ही है आप आगे बढ़ सकते हो लेकिन जब हम इस तरीके से इंडिकेट कर देते हैं देखो ये इंडिकेट क्या होगा ये तो फिर क्या होगा जैसे ही हम यहां से कार्बन से आगे बढ़े हमें क्या मिल गया बताओ सर इधर भी जा सकते इधर भी जा सकते जब आपके पास दो चॉइस आ जाए ना रास्ते के तो फिर वो क्या बन जाएगा ब्रांच और जब आपके पास चॉइस ना हो तो वह क्या होगा लीनियर तो ये क्या रहेगा लीनियर और ये कार्बन चेन क्या होगी बच्चों बताओ ब्रांच ठीक है तो आप जब कभी काउंट करें कि सर ये लीनियर है या ब्रांच है तो आपको ये समझना है कि जब मैं कार्बन के साथ जा रहा हूं जाने के बाद मुझे केवल कार्बन है आगे मिल रहा है आगे बगल कुछ नहीं मिल रहा है तो वो लीनियर है लेकिन अगर मैं गया और फिर मैं ऑप्शन आ गया कि इधर भी जा सकता हूं इधर भी जा सकता हूं तो फिर ये क्या हो गया है ब्रांच तो क्या आप सभी को लीनियर और ब्रांच में डिफरेंस समझ में आया बच्चों प्लीज एवरीबडी क्या आपको हंड्रेड परसेंट में से कितना परसेंट समझ में आया है लीनियर और ब्रांच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में जल्दी बताओ सभी लोग जल्दी बताओ प्यारे बच्चों तो लीनियर और ब्रांच क्या हम सभी को क्लियर हो चुका है एवरीबडी क्या लीनियर और ब्रांच में किसी को कोई समस्याएं आएंगी जल्दी से बता दो सब लोग बताओ प्यारे बच्चों रिया ने कहा सर जी सौ प्रतिशत है मिस्ट्री भी कह रही सर जी सौ प्रतिशत समझ में आ गया है अब कभी ब्रांच और लीनियर में कंफ्यूज हम लोग नहीं होंगे बोलो बच्चों बाकी लोग साधना ने भी कह दिया सौ प्रतिशत तन्नू कह रही सर जी रिपीट कर दीजिए देखो तन्नू अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कार्बन को पकड़ लिया है आपने और आप कार्बन के आगे बढ़े तो बताओ कार्बन इस कार्बन के आगे बढ़े हो तो केवल आपको एक ही कार्बन दिख रहा है इसके पास कार्बन जब आगे बढ़ रहा है तो इसको एक ही कार्बन दिख रहा है यह कार्बन आगे बढ़ेगा तो इसके सामने एक ही ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है तो जब हम आगे बढ़े और मुझे केवल एक ही ऑप्शन मिले हम उसको लिनियर बोलेंगे लेकिन यहां सोचिए यह कार्बन आगे बढ़ा इसको एक कार्बन दिखा लेकिन इस कार्बन के आगे आप बढ़ रहे हो तो आपको दो कार्बन दिख रहे हैं दिख रहे ना इधर भी जा सकते इधर भी जा सकते कोई ऑप्शन आ गया कि नहीं अगर ऑप्शंस ज्यादा आ गए तो फिर हम इन्हें क्या कहते हैं सर जी हम इनको ब्रांच कहते हैं ठीक है तो जरा सोचो आप बताना कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है कौन सा ब्रांच है ठीक है जैसे मैंने आपसे कह दिया वी हैव अ दिस मॉलिक्यूल एक ये है एक ये है ठीक है एक ये है एक ये है तो बताओ अगर मैंने इसको ए बोला है अगर मैंने इसको बी कहा है इसको सी कहा है और इसको डी कहा है तो जरा बताइए ए बी सी और डी में कौन सा लीनियर है कौन सा ब्रांच है स्टडी सेंटर कह रहे हैं गैमर जी आंसर सही है हा, हाँ हाँ सही है ऑक्टेन है ठीक नो प्रॉब्लम अभी मैं नेमिंग पे नहीं आ रहा हूँ ना इसलिए मैंने अभी आपका जवाब नहीं लिया है बाकी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा अब यहाँ पे ए बी सी डी चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं पहला बताइए ए क्या है ए लीनियर है या ब्रांच है आप बताइए बी क्या है लीनियर है या ब्रांच है सी क्या है लीनियर है या ब्रांच है डी क्या है लीनियर है या ब्रांच है तो आप सभी को लीनियर और ब्रांच मॉलिक्यूल में कन्वर्जन समझ में आना चाहिए बच्चों चलिए बहुत बढ़िया तो जैसे कि आप अगर इसको पहचानने जाए तो आपको क्या लगेगा सर जी तो ट्विस्ट में लिखा हुआ है क्या ये लीनियर है या ब्रांच है आप बताइए जब आप कार्बन को देखें बच्चों तो कार्बन बिल्कुल एक सीध में है एक के बाद एक एक के बाद एक ये सब लीनियर के नाम से जाने जाएंगे हाँ सर ये तो लीनियर है इसमें कोई समस्या नहीं है और अब बताइए अगर ये दिया जाए एक दो तीन चार जैसे यहाँ से हम आगे बढ़े कोई ऑप्शन नहीं है आगे आराम से जा रहे हैं आगे अब यहाँ पहुँचते ही मेरे पास दो ऑप्शन आ गए अगर दो ऑप्शन आ गए तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों ब्रांच कहेंगे क्लियर है वैसे ही यहाँ अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो ये क्या होंगे बच्चों लीनियर होंगे कोई समस्या नहीं होगी और अगर यहां हम आगे बढ़ रहे हैं तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस कार्बन पे मेरे पास ऑप्शन आ गया है तो ये क्या कहलाएंगे ब्रांचेस कहलाएंगे क्लियर होगा तो हमें ब्रांच और लीनियर में एक फर्क समझ में आना चाहिए यस चलिए सबने एक जवाब दे दिया है ब्रांच लीनियर ब्रांच इस तरीके से हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए बच्चों बहुत बढ़िया तो कन्फर्मेशन को यही है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पहचानने का तरीका आप इसको आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं ठीक है अब मैं आपके सामने आ रहा हूं जब हम लोग किसी ब्रांच मॉलिक्यूल को इंडिकेट करते हैं उसके बॉन्ड लाइन फॉर्म में तो क्योंकि हमारा अभी रिप्रेजेंटेशन चल रहा है अभी हम लोग कंडेंस और बॉन्ड लाइन में ही खेल रहे हैं ठीक है तो हमें इसमें थोड़ा वक्त दे देना होगा और अच्छे से समझना पड़ेगा तो ज़रा सोचिए यानी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ ब्रांच मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं हम लोग इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ ब्रांच मॉलिक्यूल्स तो बताइए अगर हम ब्रांच मॉलिक्यूल्स के ऊपर में जाएँ तो उनका अगर बॉन्ड लाइन फॉमूला हम इंडिकेट करें तो कैसे कर सकते हैं सोचे बच्चों जरा सोचो अगर मेरे पास ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा हुआ होता बताइए तो सबसे पहले ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है सबसे पहले बताओ ये लीनियर है या ब्रांच है बच्चों यस दिस इज अ ब्रांच रीजन क्योंकि सर अगर हम इस कार्बन के बाद इस कार्बन को चुने इस कार्बन के बाद इस कार्बन को चुने इसके बाद दो ऑप्शन आगे आगे भी जा सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं दिस इज अ ब्रांच तो सर हम इसको कैसे इंडिकेट करेंगे कंडेंस फॉर्म तो चलो ठीक है बॉन्ड लाइन किससे इंडिकेट करेंगे तो बच्चों जरा देखो इसमें देखो एक दो और तीन कार्बन सीधे लाइन में आ चुके हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे वन टू एंड थ्री ठीक है तो हमने क्या किया वन टू थ्री तीन कार्बन थे मैंने शुरुआत करी वन फिर शुरुआत करी टू मोड़ दिया तीसरे पे तीन कार्बन इंडिकेट कर दिया है लेकिन बताओ दूसरे नंबर पे कार्बन और है कि नहीं है तो अगर एक कार्बन और है तो हम इसको इंडिकेट कैसे करते हैं जरा सोचिए टू और वन में हम इसको एक लाइन से इंडिकेट कर देंगे ठीक है क्योंकि ब्रांच में क्या होगा हमें एक लाइन कार्बन तो दिखाना होगा ना तो हम क्या करेंगे जो कार्बन ब्रांच में आएगा बॉन्ड तो बना हुआ होना चाहिए तो बस वहां से हम क्या करेंगे एक लाइन को खींच दिया करेंगे तो जरा सोचिए अब कितने कार्बन हो गए कितने कार्बन हो गए तो सर जी यहां पे एक कार्बन जहाँ लाइन जुड़ती है वो भी ये कार्बन होता है ना जहाँ लाइन खत्म होती है वो भी एक कार्बन होता है ना और सबसे ऊपर में भी ये कार्बन आइटम्स मौजूद होता है ठीक है तो हमें रिप्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए जरा सोचिए अगर मेरे पास यहाँ लिखा होता CH3, सी एस थ्री यहाँ सी एच है सर जी यहां सी एस थ्री है और यहां भी सी एच सी एस थ्री लिखा है सी एस थ्री है जरा सोचिए अगर मैं आपको ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देता और मैं कहता कि भैया बताओ ये मॉलिक्यूल जो लिखा है ये कंडेंस में लिखा हुआ है कृपया करके इसका ब्रांच फॉर्म लिख दीजिए तो हम क्या करते बच्चों इसके जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन देखो कार्बन चेन यहाँ पे सीधे में नहीं है डाइवर्ट भी हुए हैं तो जरा नाम नंबरिंग करो वन टू थ्री और फोर चार कार्बन तो लाइन में है है ना तो चार कार्बन अगर लाइन में है तो हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं जरा बताओ एक दो तीन एंड चार इंडिकेट कर दिए कर दिए सर जरा बताइए जरा यहां पे सेकेंड वाले कार्बन पे कार्बन है कि नहीं है हां तो जब बच्चों हम एक लाइन को इस तरीके से इंडिकेट करें सुनो और उस कार्बन दो एक बॉन्ड आपको इस कार्बन पे दिखाना है तो क्या करना है अगर दोनों लाइनें नीचे की तरफ है और इस पे कार्बन आपको दिखाना है दिखाना है कि नहीं तो फिर क्या करना है सुनिए अगर दोनों लाइन नीचे है और आपको इस कार्बन पे दिखाना है तो फिर आप नीचे नहीं खींचिए आप इसको ऊपर खींच दीजिए क्या मेरी बात आप समझ पाए और अगर दो लाइनें ऊपर की तरफ हैं है ना वी बना हुआ है और आप चाहते हैं कि इस कार्बन पे आपको इंडिकेट करना है दूसरा तो फिर आप ऊपर ना लिखिए इसको नीचे लिख दीजिए ठीक है तो जरा सोचो आपने सेकेंड नंबर पर कार्बन बनाया हुआ है आप एक कार्बन इंडिकेट कर दीजिए फिर आपका तीसरा कार्बन है और आपने यहां भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो फिर आपने क्या करना है इसको नीचे खींच देना है ठीक है तो ये आपका कंडेंस फॉर्म है और ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्म है क्या ये बात आपको क्लियर हो गई प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो सभी लोग ओके okay? क्या हम सभी इस बात को समझ पाए पहले बताओ क्या यह बात सबको क्लियर हो गई है अगर क्लियर हो गई है तो आप सभी इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जरा अपनी कॉपी में लिखेंगे चलो तो बच्चों देखें किसमें कितना है दम चलिए जैसे मैंने सिखाया है आप उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करिए तीसरे मॉलिक्यूल का आप सभी यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे चलिए एवरीबॉडी शुरू हो जाइए और मुझे बताइए सभी लोग कंप्लीट करो सबका जवाब आ जाना चाहिए फिर मैं मैच करूंगा और देखना है सब लोग सही बनाए हो कि नहीं अभी तक दो बच्चों ने कंप्लीट किया है मिस्टी और रिया बाकी लोग चलिए तो बच्चों ये हमने समझ लिया ठीक है तो सर एक बात बताएं तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव यानी पांच कार्बनों को हमने लाइन में खड़ा कर दिया है और इस पांच कार्बनों को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं जैसे एक दो तीन चार पांच कर दिए अब बताएं जरा यहाँ पे सेकेंड नंबर पे एक कार्बन लगा हुआ है हम क्या करेंगे इस कार्बन को इंडिकेट कर देंगे ठीक है क्योंकि दोनों लाइनें नीचे हैं तीसरे पे बताओ बच्चों यहाँ आपके पास दोनों लाइनें ऊपर की तरफ है इसको नीचे लिखना पड़ेगा एंड चौथे पे बताइए क्या करना है एक लाइन ऊपर कर देना है क्या मेरी बात आप क्लियर कर पाए क्या यही हुआ सबका बताओ मैच कर लो सब लोग है कि नहीं बच्चों तो बच्चों ये हमारा था फॉर्म जिसको आप इंडिकेट कर सकते हो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है ठीक है इसी तरीके से बच्चों अगर मेरे सामने एक ही कार्बन पे गौर से सुने अक्सर क्या होता है एक कार्बन पे अगर दो लाइनें ड्रॉ करनी पड़ जाए जैसे ये देखो ये देखो ये देखो बच्चों, ये है ये कार्बन है ये चेन है मैं इसको रिप्रेजेंट अगर करने जाऊं तो इसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बॉन्ड लाइन में तो जरा सोचना बच्चों वन टू और ये थ्री लिखा हुआ है तीन कार्बन लाइन में लगे हुए ही है तो अगर इसको इंडिकेट करना पड़े तो सर तीन के लिए तो क्या करना है वन टू और ये थ्री कर दिया आपने लेकिन अब बताइए सर ये जो हमारा सेकेंड नंबर वाला कार्बन है इसमें तो दो कार्बन लगे हुए हैं एक ये और एक ये इसको कैसे इंडिकेट करें तो बच्चों इस बात को सुनना अगर मेरे पास कोई भी फॉर्म बना हुआ है ठीक है और इस कार्बन पे आपको दो लाइनें दिखानी है तो फिर आप इसको ऊपर में दो वी फॉर्म में दिखा सकते हैं ठीक है क्या दिखा सकते हैं इसको वी फॉर्म में अगर दोनों लाइनें नीचे की तरफ हैं तो वी फॉर्म में दोनों लाइनें ऊपर हो जाएंगी और अगर दोनों लाइनें ऊपर की तरफ हैं तो वी फॉर्म के अंदर में जो लाइन है ना ये वाली अगर इसमें दो कार्बन आपको दिखानी होंगी तो कैसे दिखाओगे नीचे की तरफ इज दैट ओके तो जरा सोचिए ये हमारे पास अगर इस गिवन है तो हम इसको कैसे इंडिकेट करेंगे इस तरीके से तो ये कुल मिला के ऐसा नहीं हो गया देखो एक्स लिखा हुआ नहीं हो गया क्या है ना बच्चों तो आप इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हो क्या ये बात आपको क्लियर हो गई तो आप बताइए अगर यही क्वेश्चन आपको दिया गया होता है इस तरीके से सर जी यहाँ सी एस थ्री है यहाँ सी एच थ्री है यहाँ भी सी एस थ्री है यहाँ भी आपके पास सी एस थ्री है और सी एस थ्री ग्रुप लगा है और यहाँ सी एस थ्री है चले अब मुझे और टिपिकल मॉलिक्यूल से मुलाकात करना पड़ रहा है तो ज़रा सोचिए अगर ये और टिपिकल मॉलिक्यूल है तो हम इसको कैसे इंडिकेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों बताओ सभी लोग सर ये वन ये टू ये थ्री और ये फोर है कि नहीं अब बताइए वन टू थ्री एंड फोर हमने इंडिकेट तो कर लिया सर अब यहां हमें बताइए आप कि सर यहाँ वन है ये टू है ये थ्री है और ये फोर है और आप बताइए यहाँ पे सर ये टू कार्बन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं दो लगे हैं तो इसको वी लिख दें हाँ सर लिख दीजिए और ये थर्ड नंबर पे दो सी एस थ्री ग्रुप लगे हुए हैं ना सर इसको भी इंडिकेट करना है कि नहीं हाँ सर इसको कैसे लिखना है बच्चों नीचे की तरफ क्या आप सभी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ब्रांच मॉलिकल्स के लिखने में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कितना प्रतिशत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं प्यारे बच्चों ये बताइए सभी प्लीज एवरीबडी क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती है ना हम लोग डरने लगते हैं पर क्या आज के बाद हमारे अंदर कोई भी छोटा सा डर होगा प्लीज़ सब लोग बता दो जो लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं लगभग 20 से 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो शुरू से तक तक अभी तक डेढ़ घंटे से मेरे पास साथ लगे हुए हैं पढ़ने के लिए एकदम तो जरा बताओ जो लोग सीरियसली स्टडी कर रहे हो क्या ये बात आपको क्लियर हो गई क्या आज के बाद आपको किसी भी ब्रांच फॉर्म में कंडेंस फॉर्म में और बॉन्डलाइन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आएगी बच्चों बताओ जल्दी से बताओ सब लोग फीडबैक दो जल्दी से क्योंकि एक ऑफलाइन क्लास नहीं है कि मैं आपकी शक्ले देख करके बता दूं कि भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है आपकी शक्लें बता देती है कि आपको कितना समझ में आ रहा है ऑनलाइन में तो शक्लें दिखती नहीं है ना तो फिर आपका जो कमेंट है उस कमेंट से ही मुझे ना अपने आप को समझना पड़ेगा ना भाई क्या है क्या, है, क्या नहीं है बोलो बच्चों है कि नहीं चलिए आज के लेक्चर का मैं फाइनल कंक्लूजिंग पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी तक सिंगल बॉन्डेड कार्बन का ही ब्रांच बताया है डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड साइक्लिक मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन अभी बाकी हैं ठीक है थीके? तो फर्स्ट हाफ जो हमने आज स्टार्ट किया इसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन की है किन की है अपने सिंगल बॉन्डेड कार्बन के रिप्रेजेंटेशन की हुई हैं फिर अगले क्लास में हम सभी डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जरा सोचिए ये आपका था बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अब बताओ क्या आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हो क्या कंडेंस फॉर्मूला में चलिए कितने लोग कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी आपको अगर बॉन्ड लाइन दिया जाए तो क्या आप इसको कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे मैंने आपसे कहा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मैंने दिया है हम इसे कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे कर रहे थे ना आपने क्या कहा हाँ सर कोई समस्या ही नहीं है ऐसे केस में हमें क्या करना होता है पहला स्टेप क्या करना होता है बताओ पहले कार्बन इंडिकेट कर लो एक दो तीन चार पांच, छ है कि नहीं और उस कार्बन को क्योंकि हाँ बताओ क्या कोई ब्रांच है या लीनियर है ये देखने में बताइए सारे के सारे कार्बन एकदम लाइन में लगे हुए हैं है कि नहीं छे कार्बन लाइन में लगा दो बोलो बच्चों हाँ सर हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ ये जरूर समझना है कि बताइए इस कार्बन के साथ अगर एक ही बॉन्ड बचा हुआ है तो बाकी क्या है हाइड्रोजन है तो यहां लिखना होगा सी एस थ्री यहां लिखना होगा सी एस टू क्यों सी एस टू लिखा मैंने क्योंकि इसके दो बॉन्ड बने हुए हैं यहां भी क्या लिखना है सी एच टू यहां भी क्या लिखना है सी एच टू यहां भी क्या लिखना है सी एच टू यहाँ क्या लिखना है सी एस थ्री ठीक है लेकिन अब बताओ अगर हमें एग्जाम में ये मॉलिक्यूल बना के दिया होता ये तो आपसे कोई पूछता कि बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर में कितने कार्बन मौजूद हैं हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर मौजूद कितने कार्बन एटम्स यहां मौजूद हैं क्या बोलोगे सर एक तो ये है एक तो ये है एक तो ये है और जहां लाइनें जुड़ती हैं वो भी कार्बन होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों हाँ सर होता तो है तो जरा सोचे यहां पे क्या ये आपको लीनियर दिख रहा है ना क्योंकि सर ये लाइन से भटक चुका एक लाइन और आ गई है बीच में तो ये लीनियर तो कतई नहीं है ये ब्रांच है तो जरा सोचो ये जो कार्बन है एक है ना उसके बाद फिर से कार्बन है दो हाँ फिर उससे एक कार्बन और है तीन है कि नहीं फिर उसके ऊपर में भी कार्बन है है कि नहीं बच्चों हाँ सर है तो और बताओ क्या ये सिंगल बॉन्ड है सारे हाँ सर है आह हा ये इंडिकेट हुआ अब बताइए बच्चों क्या हम हाइड्रोजन को इंडिकेट कर सकते हैं जी सर यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे एक ही बॉन्ड बना है तो तीन हाइड्रोजन होंगे है ना यहाँ जरा बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे बच्चों सर जी एक दो तीन बॉन्ड बने हैं तो केवल एक ही एच होगा कि नहीं होगा ऊपर बताओ कितने एच होंगे तीन और यहाँ भी कितने होंगे तीन तो क्या हम सभी लाइन फॉर्म से कंडेंस फॉर्म में आ सकते हैं और कंडेंस फॉर्म से बॉन्ड लाइन फॉर्म में जा सकते हैं मॉलिकुल का लिखावट हम पढ़ सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या लिखा हुआ है क्या हम पढ़ सकते हैं बच्चों बिल्कुल तो आज की क्लास का ये सवाल आप कंप्लीट करिए और बताइए क्या आप सभी इस मॉलिक्यूल का कंडेंस फॉर्म लिख सकते हैं तो आप सभी पहले इसका कंडेंस फॉर्म लिखिए फिर इसका मोलिकुलर फार्मूला लिखिए चलिए एवरीबडी फाइनल तो आज हमने केवल मोलिकुलर फार्मूला कंडेंस फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला का इंट्रोडक्शन लिया है आज की क्लास में चलो बच्चों जल्दी से इसके बारे में जानकारी हमें दीजिए सभी लोग जिस द कंडेंस फार्मूला आपको बताना है चलो शुरू हो जाओ सब लोग और आज के लेक्चर का कंडेंस फॉर्मूला लेकर के बताइए यस yes. सॉल्यूशन के दो लेक्चर बचे हुए हैं बच्चा उसके बाद हम सॉल्यूशन के चैप्टर का टेस्ट लेते हैं ठीक है पूनम पूनम क्राफ्ट एंड किचन कौन से ब्रांच का भाई तुम्हारा नाम क्या है कौन से ब्रांच से हो भाई तुम कहाँ के ब्रांच के हो एक बार बता दो पूनम नाम से कौन बच्चा है भाई हमारे पास चलिए ओके तो बच्चों ऐसे केस में हमें समझ में आ चुका है कि सर अगर मैं ऐसे को इंडिकेट करूं तो प्लीज यहां पे मुझे सबसे पहले समझना होगा कि भैया कार्बन कितने हैं एक दो तीन चार पांच छ और एक सात है ना बच्चों अगर ये सात कार्बन है तो बताओ हमें सर यहां एक दो तीन चार और पांच और ये छे और ये सात है ना तो इंडिकेट करो एक दो तीन चार पाँच छः पाँच ही लाइन में है पाँच ही लाइन में है तो अगर पाँच लाइन में है इंडिकेट करिए सभी लोग अगर पाँच लाइन में है तो बताओ दूसरे नंबर पे ही लाइन से भटका हुआ एक इंसान है ये वाला है कि नहीं और फिर तीसरे पे भी एक भटका हुआ इंसान है कि नहीं हाँ सर अब हाइड्रोजन को इंडिकेट करिए अब बताओ फर्स्ट हाइड्रोजन बताओ सी एच थ्री ठीक है ऊपर वाला हाइड्रोजन बताओ सी एच थ्री नीचे वाला बताओ सी एच यहाँ बताओ सी एच यहां बताओ सी एच थ्री यहां बताओ सी एच क्या लिखोगे टू है ना बच्चों क्योंकि इसके दो ही बॉन्ड बने हैं और अगला क्या है सी एच थ्री अगर आपने ये हाइड्रोजन को जरा गौर से सुनिएगा इस हाइड्रोजन को ध्यान से देखिएगा एक एक हाइड्रोजन को मैच करिएगा <coughs> क्योंकि आप हाइड्रोजन को गलत नहीं लिख सकते हैं ठीक है ना क्योंकि वो आपको लिखा हुआ नहीं है और जब आप उसको लिखोगे तो सही सलामत आपको उसको लिखना पड़ेगा ठीक है प्यारे बच्चों क्या आपने यही जवाब लिखा है और चेक करिए कितने कार्बन है यहाँ पे सात हैं और हाइड्रोजन को चेक करिए कितने हैं तीन चार तीन सात आठ तीन ग्यारह बारह तेरह तीन सोलह तो अगर आपने ये मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा है सी सेवन एच सिक्सटीन तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे अगर आपने इसमें एक भी कार्बन का हाइड्रोजन कम किया है तो आप गलत होंगे जैसे मिस्ट्री ने कह दिया सर जी पंद्रह ही हाइड्रोजन है करण ने भी कह दिया सर जी पंद्रह ही हाइड्रोजन है लेकिन तन्नू ने कहा सर जी सोलह है तो अगर आपने सोलह लिखे हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं कितने लोगों का जवाब ये करेक्ट आया है जल्दी से बताइए तो कितने लोगों का करेक्ट आया है हाथ खड़े करो जरा ईमानदारी से खड़े करना कि तो भैया कितने लोगों का ये जवाब बिल्कुल सही आया हुआ है ठीक है बच्चों हाँ गलती से हो गया भाई गलती से मिस्टेक नहीं करना है है ना तो अभी मैंने आज केवल आपको रिप्रेजेंटेशन की बात करी है और अभी रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो ऑलमोस्ट 50 कर हुआ है फिफ्टी से सिक्सटी परसेंट मान लीजिए अगली क्लास में इसको मैं खत्म करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको कहा जाता है रिप्रेजेंट करने के बाद नेमिंग ऑफ मॉलिकल्स तो हमें नाम लिखने पहले आना चाहिए पहले मॉलिकल्स कितने टाइप के ऑर्गेनिक में है ये भी हम लोग एक बार देख लेंगे और फिर हम लोग उसका नाम लिखना सीखेंगे ठीक है तो आप सभी जितने इलेवंथ को आपने अपना पढ़ाई करी है थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना इलेवंथ की नोटबुक से तो आप थोड़ा इलेवंथ की नोटबुक अपनी ऑर्गेनिक की थोड़ा दुरुस्त करके रखिएगा ताकि जब मैं यहां पे आपको पढ़ाने के लिए जाऊं क्लैरिटी आपको ज्यादा मिले ठीक है प्यारे बच्चों ओके ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके सब लोग खड़े हाथ कर रितेश ने कहा जी मेरा आ चुका है संगीता कह रही है सर जी करेक्ट है करिया भी कह रही सर जी करेक्ट है तन्नू भी कह रही करेक्ट है लक्ष्मी कह रही सर जी है मिस्टी का थोड़ा सा दिक्कत हो गया था टाइपिंग में गड़बड़ी हो गया था करण कह रहा सब लोग झूठ बोल रहा है अरे करण तेरा सही हुआ ये बताओ हाँ तेरा तो सही था इसलिए बोल रहा है अभी बोली निकल रहा है ना एम एस डी एन दिस सेक्शन इज ओवर विथ वेरी क्लियर थैंक यू सुधांशु पांडे जी ने एक प्यारा सा कमेंट दिया है बोलते हैं ना लास्ट में एक फीडबैक दिया हुआ है थोड़ा सा छोटा सा कि यस सर आज का सेशन हाफ पार्ट हमारा कवर हो गया है तो अगली क्लास में जब हम मुलाकात करेंगे तो पहले हम सभी जैसा मैंने सीक्वेंस आपको बताया है हम वैसे ही फॉलो करेंगे पर आराम आराम से चीज़ों को हम लोग सीखते चल रहे हैं हाँ अगली क्लास हम लोग तो जब संडे को लेंगे थोड़ा तो टाइमिंग थोड़ा सा छः बजे से रहेगा छः से आठ दो घंटे का क्लास रहेगा आज थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपको दिया गया डेढ़ घंटे का है आदत बनाइएगा दो घंटे को पढ़ने के लिए ठीक है ना बच्चों चलिए ओके बच्चों तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा बेसिक्स से स्टार्ट किया है मैंने और अगली क्लास में हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं ठीक है तो अच्छे से ऑफलाइन क्लासेस में कंटिन्यूटी मेंटेन करिए और हाँ एक जो इंफॉर्मेशन है इलेवेंथ का मैंने बैच स्टार्ट करना शुरू कर दिया है तो मंडे से आपकी जो झरिया ब्रांच है ना वहाँ पे सी और जैक के क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और धनबाद के सारे ब्रांचेज में बैंक मोड में मंडे से स्टार्ट हो रहा है यानी कल से और आ, स्टील गेट और जो बर्ड टैंड वाला सेंटर है बस स्टैंड के पास वहाँ पर भी स्टार्ट हो रहा है ट्यूजडे से तो आपके अगर जूनियर्स कलीग्स जो भी हैं जो आपके एलेवेंथ में हैं बच्चे जो इलेवंथ में जा रहे हैं जो िटी है जिनको कि एग्जाम से रिजल्ट से पहले कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना ज्वाइन करना आप उनको सजेस्ट कर दीजिएगा ठीक है प्यारे बच्चों तो आज के लिए इतना ही मुलाकात करते हैं आपसे अगली संडे क्लास में तब तक हम ऑफलाइन एंजॉय करेंगे संडे को मुलाकात फिर से होगी अगले सेशन के लिए ठीक है बच्चों तब तक के लिए टेक केयर बाय एंड गुड नाइट